एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि अकबर है ना, जिसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर में हम लोग डालते हैं, तो नाउ इट इज बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्सी जो भी होता रहा है, पर वन वन थिंग इज श्योर कि अकबर जो था है ना, क्योंकि अकबर से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे हमारे पास जो पास्ट के रेफरेंसेस मिलते हैं, जिससे हम लोग को ये समझ आता है कि एक ये रूलर था वेल एक्सेप्टेड बाय पब्लिक, ऐसा रूलर था। तो व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ दैट अकबर व्हिच वाज यूनिक टू टू दैट दैट पर्सन एंड व्हिच वाज यूनिक टू द रूलर ऑफ द इंडिया, जो कि इंडिया में एक पीसफुल एस्टेब्लिशमेंट उसने मेंटेन कर लिया था। यू कैन सी प्रेजेंटली नाउ इट इज इट हैपेंस कि माइनॉरिटीज आर गवर्निंग मेजोरिटीज और मेजोरिटीज आर गवर्निंग माइनॉरिटीज। इन मेनी ऑफ द केसेस जब भी मेजोरिटी माइनॉरिटी को गवर्न करते हैं तो इनसिक्योरिटीज माइनॉरिटीज के माइंड में आता है, एंड माइनॉरिटीज मेजोरिटी को गवर्न करते हैं तो मेजोरिटीज के माइंड में इनसिक्योरिटीज आता है, एंड इट हैपन्स विद होल ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव सीन लाइक सीरिया में हम लोगों ने देखा था, शिया गवर्नमेंट होती थी और सुन्नी के मेजोरिटी गवर्नमेंट हो जाती तो थोड़ा अनरेस्ट हो जाता है। एट द सेम वे ईरान इराक में हम लोगों ने देखा था। हियर ऑल्सो इन इंडिया वॉट वी हैव सीन इन आवर हिस्ट्री कि ये जो अकबर का जो टाइम था, माइनॉरिटी पीपल वेयर गवर्निंग द मेजोरिटी पीपल, बट वेदर एट दैट टाइम वेदर वो जो टाइम था वो पीसफुल था या नहीं था, कैन समवन टेल मी अकबर का जो टाइम था वो पीसफुल था कि नहीं था। यस, अकबर का जो टाइम था वो पीसफुल था। थोड़ा बहुत जानते होगे हिस्ट्री के बारे में। एनीवन यार स्पीक अप सो दैट क्या है, इंटरेक्टिव रहेगा तब मजा आएगा ना। व्हाट डू यू फील कि उस समय जो टाइम था वो पीसफुल था, और जो भी आप लोगों ने पढ़ा है पास्ट में, वेदर दैट एस्टेब्लिशमेंट वाज पीसफुल और नॉट। जीत मुझे तो लगता है नहीं था पीसफुल। पीसफुल नहीं था आपको लगता है? देखो औरंगजेब का टाइम एक अलग है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल ऑफ द मुगल एरा, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ द अकबर। मैं उतना ही के बारे में बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये सल्तनत का टाइम जब था, जो इल्तुतमिश अगर थे, गजनवी अगर के जो चेले वगैरह यहाँ पे थे, तो वो लोग जो थे सल्तनत का टाइम, वेदर दैट टाइम वॉज पीसफुल, और मुगल का टाइम वॉज पीसफुल, और गुप्ता का टाइम वॉज पीसफुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो कौन सा टाइम वॉज पीसफुल? सल्तनत का टाइम पीसफुल है। सल्तनत का टाइम पीसफुल लगता है आपको? अच्छा ओके, किसी भी जगह पे कोई चीजें पीसफुल है या नहीं है, इससे ना इसका ना अगर आपको एविडेंस कलेक्ट करना है, तो व्हाट यू कैन सी इफ एनी ऑफ द रूलर हैज स्पेंट लॉट मच ऑफ द टाइम इन अदर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम द करिकुलर एक्टिविटी। करिकुलर एक्टिविटी मीन्स अपार्ट फ्रॉम द वॉर, अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीजें होती है। जैसे क्या है, जब बाबर था या हुमायूं था, वो एस्टेब्लिशमेंट में ही इतना बिजी थे कि वो अदर आर्ट कल्चर पे फोकस ही नहीं कर पाए थे, है ना। इट हैपेंस विद मेनी ऑफ द रूलर्स या डायनेस्टीज, इनिशियल लेवल पे जो रूलर होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि इतना वॉर लड़ना होता है या इतना सारे जो रिबेलियंस है उनको सप्रेस करना होता है कि दे आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर द अदर पार्ट्स। वॉट वी हैव सीन द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर विच हैज बीन क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ मुगल्स was one of the miracle in whole for the whole of the world जो उसने किया था। वैसे गुप्ता के टाइम में भी देखा जाए, गुप्ता के टाइम में भी बहुत सारे जो टेम्पल्स का आर्किटेक्चर क्रिएट किया गया था, दैट वाज वेरी यूनिक, है ना। सदन में भी आप कुछ टेम्पल्स का आर्किटेक्चर देखोगे, दैट वाज वेरी यूनिक। मतलब पीपल हैव लॉट मच टाइम। जब लोगों के पास बहुत टाइम तब होता है जब वॉर वगैरह से वो या एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, पर अगर अंदर में ही रिबल वगैरह चलता रहता है ना, तो वो सब चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो व्हाट वी हैव सीन, हम लोग जानते हैं कि जेम्स ऑफ द अकबर के दरबार के 9 जेम्स हम लोग जान सुनते हैं, तानसेन और ये बिरबल वगैरह जो होते हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि
जो क्रिएटिविटी या आर्ट एंड कल्चर है उस समय काफी अच्छे से उसने ग्रैब किया था, या उसको बहुत अच्छे से होल्ड किया था, या उसको फ्लरिश किया था, या पेट्रोनेज दिया था, और भी कैसे, मतलब बहुत अच्छे से पेट्रोनेज दिया था। दैट्स व्हाई ये जो जितने पोएट्स थे, जो आर्किटेक्ट्स थे, ये लोगों ने बहुत अपने लेवल का बेस्ट काम किया, और उसी का हायर लेवल पे शाहजहां लेवल तक चला गया, लेटर ऑन फिर से डिग्रेड होने लगा। मीन्स व्हाट हैपेंस कि वेर एवर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में इफ पीपल आर मोर कंसंट्रेटिंग ऑन अपार्ट फ्रॉम द वॉर, ये सब चीजों पे अगर ज्यादा करते हैं, तो एक चीज हम लोग के पास एविडेंस क्लियर है कि कहीं ना कहीं उनका बेसिक नीड वॉज बीइंग फुलफिल्ड। बेसिक नीड देखो, जैसे बंगाल में आप देखो ना, बंगाल में जो स्टेब्लिशमेंट है, या बंगाल में जो लोग रहते हैं है ना, वो अदर, या बंगाल एंड केरला, ये दो जगह पे ऐसा है जहां पे लोग एक जनरेशन आगे हैं। व्हाई? बिकॉज जो चीजें डेवलपमेंट के पैरामीटर्स होते हैं है ना, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स लाइक मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड मेनी मेनी थिंग्स जो जो रहते हैं डेवलपमेंट के पैरामीटर्स, वो सब पैरामीटर्स में केरला को देखो कि वो काफी आगे है बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से। इवन वेस्ट बंगाल का भी ऐसा ही है। जैसे वन किड, जो वन किड या इसको बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी, मतलब बोलना चाहिए कि फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब एक वीमेन जो है अपने लाइफ टाइम में कितने बेबीज बॉर्न करेंगे, तो बिहार में ये 2.7 के आसपास है, और बंगाल में देखो जाए तो 1.4 या 1.2 के आसपास है, और केरला में जाओगे तो ऐसे ही है ना। तो सम ऑफ द इंडिकेटर्स विच आर देयर, ऐसे इंडिकेटर्स हैं जैसे ये समझ आता है कि किस एरिया पे डेवलपमेंट क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ। तो विद इन वेस्ट बंगाल, अब इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का जो जनरेशन है वो एटलीस्ट एक जनरेशन आगे है, क्योंकि वहां पे बेसिक नीड्स, और या जैसे केरला में है वो बेसिक नीड्स वाला पार्ट नहीं है, या एजुकेशन या लिटरेसी वाला जो पार्ट है जो कि बाकी स्टेट्स से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वाला पार्ट उससे काफी दूर है। इवन यू कैन सी कि हमारे बंगाल में जो ओल्डर एज के जो लोग हैं है ना, दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन इंग्लिश, एंड दे आर वेरी गुड इन द लिटरेचर्स एंड अदर थिंग्स है ना। इवन PhD एंड PDF लेवल पे लोग काम कर रहे हैं है ना, रिसर्चर्स वगैरह में, इवन केरला में भी ऐसा ही है। तो वॉट वी हैव सीन कि जहाँ पे बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, तो वहां पे लोग आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो व्हाट यू कैन सी कि बंगाल से, मतलब जो आर्ट का जो हब है एक प्रकार से होल ऑफ द इंडिया के लिए है ना, नॉट ओनली दिस, केरला में ऑल्सो यू कैन सी कि मेनी ऑफ द क्लासिकल डांसेस, इवन नॉट ओनली क्लासिकल, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स या हेरिटेज, दोनों चीजें आपको केरला में काफी ज्यादा मिलेंगे, कुडियत्तम, मुदियत्तु है ना, नेहरू ट्रॉफी और बहुत टाइप की चीजें वहां पे आपको। सो आई एम नॉट आइसोलेटिंग सर्टेन स्टेट फ्रॉम अनदर, बट वॉट द ऑब्जर्वेशन विच इंडिकेटर सजेस्ट टू अस कि ये चीजें हैं। तो क्या बताना चाह रहा था कि जैसे किसी भी जगह पे बेसिक नीड्स है ना फुलफिल होती है, तो वहां के लोग फिर दूसरी चीजों पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए यही चीज ओलंपिक के परफॉर्मेंस में भी दिखता है, लाइक डेवलप्ड स्टेट्स आर एबल टू डू मोर, एबल टू परफॉर्म मोर एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग स्टेट्स है ना। डेवलपिंग स्टेट्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द पॉवर्टी, हंगर से अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये इट हैपेंस, तो ये इंडिकेटर से ये समझ आता है कोई कंट्री, एक्चुअली किसने तो बोला था, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम, द पर्सन, कोई कंट्री अगर स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करता है ना, वो वहां के डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर होता है ना, अगर स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर, अगर किसी के पास ऐसा है तो। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अकबर के टाइम पे जो आर्किटेक्ट्स हैं, आर्किटेक्चर्स अभी भी स्टेब्लिश्ड है, दोज आर्किटेक्चर्स आर द वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ दैट टाइम, और अभी के लिए तो अभी भी है, मास्टरपीस है। इट मीन्स द टाइम ऑफ द अकबर वाज अ बिट पीसफुल, दैट्स व्हाई ही हैज गॉट दैट मच टाइम, बट माइनॉरिटी वेयर गवर्निंग द मेजोरिटी, एंड दैट टाइम इट वाज पीसफुल। इट मीन्स देर आर अनदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, कुछ और पार्ट है जो कि प्ले करती है। जैसे अभी के कंडीशन में अगर माइनॉरिटी मेजोरिटी गवर्न कर लिए तो बहुत जगह प्रॉब्लम्स आते हैं, बट वहां उस टाइम पे हम लोगों ने देखा कि ये इशू नहीं है कि माइनॉरिटी मेजोरिटी को गवर्न करे या मेजोरिटी माइनॉरिटी। द प्रॉब्लम इज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस व्हिच प्लेस द रोल, एंड सेकंड द लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी व्हिच यू कैन जनरेट विद योर एक्टिविटी, एंड द लेवल ऑफ इंटीग्रिटी व्हिच यू आर हैविंग विद योर जॉब। ये तीन चीजें के ऊपर डिपेंड करता है कि
एस्टेब्लिशमेंट पीसफुल होगा या नहीं होगा, अगर यहाँ पे कोई एमएलए है एमपी है जो बहुत अच्छे से काम किया है, वेदर आई शुड नॉट बी वोटिंग दैट पर्सन, है ना, बिकॉज द वर्क जो काम है वो ज्यादा बोलता है एज कम्पेयर टू जो आप मीडिया में बोलते हो, उससे ज्यादा चीजें हैं होता है जो ग्राउंड पे काम करता है एंड इट इज विजिबल. तो इन द सेम मैनर कि इनसिक्योरिटीज माइंड में क्रिएट ना करो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इवन आपके रिलेशनशिप में भी आई एम सेइंग इनसिक्योरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनफैक्ट पता है होल ऑफ द वर्ल्ड में जो इश्यूज आ रहे हैं ना उस पर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज इनसिक्योरिटीज माइग्रेट जो माइग्रेट करते हैं उनसे इनसिक्योर फील करते हैं जो वहां के इंडिजिनस हैं, जो माइग्रेटेड हैं वो लोग भी इनसिक्योर फील करते हैं जो इंडिजिनस से हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से इनसिक्योरिटी फील करते हैं. मीन्स एवरीवेयर ग्लोबलाइजेशन जब का टाइम आता है तो बाहर से कोई चीजें आती है, मूवीज आती है तो वी फील इनसिक्योर, हम लोग की मूवीज बाहर जाती है तो वहां के लोग दे फील इनसिक्योर, जॉब इधर आता है या उधर जाता है तो दे फील इनसिक्योर. सो होल ऑफ द इन होल ऑफ वर्ल्ड द प्रॉब्लम इज विद द इनसिक्योरिटी. इवन इन योर रिलेशनशिप, ट्रस्ट मी, द ओनली प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप्स इन योर फैमिली your current relationship, everywhere insecurity plays important role, I'm saying. और इसलिए administration में भी अगर आपके आपने ऐसा IAS बनते हो जो कि insecure वहाँ की जनता को feel करा देते हो, तो trust me, आपका ना tough action कोई भी tolerate नहीं करेगा. Tough action मतलब sometimes it happens ना कि हम लोगों को कड़वी दवा पिलानी पड़ती है, तो tough actions को तभी tolerate कोई करेगा जब आपका image सही होगा. Image सही होने का मतलब क्या है? आपने इतना impeccable integrity है और आपने दिखाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा काम किया जाता है, एंड देन आप कुछ ऐसा हार्श स्टेप्स ले रहे हो विच इज रिक्वायर्ड. जैसे ये नोटबंदी वाला हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अगर लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इफ यू हैव एट द हाईएस्ट लेवल देन डेफिनेटली पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड कि यस अभी थोड़ा सा टफ टाइम है बट विल बट लेटर ऑन ये गुड टाइम आएगा करके. तो इट हैपन्स, है ना. तो दैट्स वाई एक वन ऑफ द क्वालिटी फॉर द गवर्नेंस इज दैट कि आई शुड बी मेकिंग द पीपल ऑफ द ऑफशूट सेक्शन कंफर्टेबल, दे शुड बी इन लाइन विद द डेवलपमेंट ऑफ द दे शुड बी इन द मेन लाइन ऑफ द डेवलपमेंट. सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली डन, आज ही ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उन्होंने रिजर्वेशन दिया. इट इज द वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट, है ना, क्योंकि अभी तक जो रिजर्वेशन होते थे वो कास्ट बेसिस पे होते थे, नाउ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन होंगे एंड इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी मच वेलकम स्टेप. तो ये होने चाहिए था. एट द सेम टाइम वॉट शुड हैव बीन हैपन्ड कि जो चीजें जो ऑलरेडी जिनको काफी दिन से रिजर्वेशन मिला हुआ है, इफ उनका लेवल ऑफ स्टेटस देखना चाहिए, क्योंकि व्हाट हैपेंस स्टेट और कास्ट का रिजर्वेशन होता है और इसके बाद वो कभी रिस्टोर नहीं होता. प्रॉब्लम यही ना कि किसी को हम ऐसा कभी नहीं सुनते कि ओबीसी से अब हटा दिए या एससी से हटा दिए या एसटी से हटा दिए, या तो एट द सेम टाइम वी नेवर लिसन टू इट कि स्टेट पहले फ्रेगमेंट हुए और फिर से स्टेट जुड़ गया. ऐसा तो नहीं होता हमारे यहाँ कि एक बार स्टेट अलग हो गया तो उसका जुड़ गया, तो ऐसा कभी नहीं होता, है ना. तो इट मीन्स क्या है, देर इज इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. तो अब ठीक है आपने रिजर्वेशन तो दिया, पर एट द सेम टाइम सर्टेन रिजर्वेशन आपको निकाल देना चाहिए, है ना. कब तक आपको, तभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा. 50% से ज्यादा रिजर्वेशन करना नहीं है एनीवेज, तो आप 10% और ले आए तो फिर और डिफिकल्ट होगा. तो दैट्स द थिंग. तो व्हाट आई वाज सेइंग कि देखो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि व्हाट इज योर इंटेंशन, इंटेंशन क्या है, ना. इंटेंशन अगर करेक्ट है तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, पर अगर इंटेंशन खराब है, इंटेंशन आपको समझ आ जाता है, ना, तो लोग आपके पर बिलीव नहीं करेंगे. और बताओ ना, सेम पीपल किसी और आईएएस को हेल्प करेंगे वही योजना को चलाने में, स्कीम्स को इंप्लीमेंट करवाने में, एंड सेम पीपल विल अपोज यू इफ यू हैव द बैड इंटेंशन, और दे फील के यू हैव द बैड इंटेंशन, दे विल बी द बैरियर फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. आपका काम ना एक एग्जीक्यूटिव हो आप, जब बनोगे आईएएस आईपीएस, सेंटर से योजना आएगी, उस योजना को इंप्लीमेंट करना है. और ट्रस्ट मी, द टफेस्ट पार्ट ऑफ एनी स्कीम और योजना इज द इम्प्लीमेंटेशन, है ना, यही टफेस्ट पार्ट है ना, और इसी के लिए आप लोग को रखा जा रहा है, ठीक है ना. तो ये वैसे क्या है, ब्रिटिशर्स जो है 200 ईयर्स तक राज कर लिए, यहाँ पे 5 साल की गवर्नमेंट राज नहीं कर पाती है, तो 200 ईयर्स तक कैसे राज कर लिए. इट मीन somewhere down the line they were managed to get the gain the trust of the people,
है ना, लोगों का ट्रस्ट वो गेन कर पाए थे इनिशियली, इनिशियल लेवल पे। और इसका रीजन ये भी था क्योंकि दूसरों को ट्रस्ट करने लायक थे भी नहीं दूसरे लोग, ऐसा था मुझसे एक रूलर दूसरे को ट्रस्ट करने लायक नहीं था। लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉलीवुड मूवीज, व्हाट इज हैपनिंग कि हम लोग क्या है, बॉलीवुड मूवीज अगर VFX पे काम कर रही हैं तो हम लोग उसी का टैंक खींच खींच के लाने, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुअर VFX है, ये है वो है। लेट देम गिव टाइम, उनको टाइम देना चाहिए, नॉट ओनली बॉलीवुड, सारे जो वुड है सारे लोग को टाइम देना चाहिए, है ना। क्या है देखो, एटलीस्ट वी आर इवॉल्विंग, एटलीस्ट वी आर इवॉल्विंग। एंड वन थिंग वी शुड नॉट फॉरगेट कि बॉलीवुड मूवीज आर पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि हाउ टू रिड्यूस द पॉपुलरिटी ऑफ द बॉलीवुड मूवीज, कैसे रिड्यूस किया जाए। और बॉलीवुड मूवीज अगर बाकी जगह चलेंगी, पूरे वर्ल्ड में चलेंगे, तो उससे जो पैसे आएगा हमारे ही एक्टर्स एक्ट्रेस को मिलेगा, तो इट इज वन ऑफ द गुड थिंग। सो अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट अदर, ये सब मूवीज को ऐसे पुअर एंगल से देखने से बेटर क्या है, बस वैसे मूवीज को सपोर्ट किया जाए। सपोर्ट मतलब ऐसा भी नहीं कि अपोज किया जाए एटलीस्ट। हाँ ये ठीक है कि उन लोग इतने दिन से बकवास स्टोरी को, बकवास एक्टर एंड बकवास स्टोरी को बहुत काम ये कर रहे थे, बकवास कर रहे थे, तो ये एक रिजुविनेशन रिक्वायर्ड था। पर एट द सेम टाइम ब्लाइंडली अपोज नहीं करना चाहिए। व्हाट आई हैव सीन द सर्टेन मूवीज जिसको अपोज किया गया था, दैट वाज क्वाइट गुड इवन, है ना। ऐसा नहीं था कि अननेसेसरी उसके ऊपर इतना अपोज करके उसको फ्लॉप करवा दिया है, इट इज नॉट गुड। एनीवेज, है ना, मैं फिर से वापस कहाँ पे आ रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा था ब्रिटिशर्स का टाइम। तो ब्रिटिशर्स, और देखो पोर्टुगल, पोर्टुगीज, इफ यू रिमेम्बर, पोर्टुगीज इंडिया में पहले आए थे एंड ब्रिटिशर्स बाद में आए, isn't it? But Portuguese were not able to gain the trust of the people, while the Britishers were able to gain the trust. What was the difference between the administration of the Portuguese, which was a bit different from the Britishers? Not only Portuguese, Denmark, French, or Britishers, ये सब लोग आए थे। But still, जो सबसे ज़्यादा popular हो पाए या जो सबसे ज़्यादा longer time तक sustain कर पाए, वो तो Britishers थे। तो व्हाट वाज द रीजन कि पोर्टुगीज क्या ऐसा करती है कि जिसके कारण से लोग उसको उतना, मतलब वो लोग आगे बढ़ नहीं पाए इंडिया में। कैन समवन टेल एनीवन, अश्मिता सर? नो आईडिया। ओके, नो आईडिया, नो इशू। एनीवन एल्स? अच्छा, ये तो पता होगा ना कि पोर्टुगीज आए थे सबसे पहले, है? और हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने की गई, अरे कहाँ से खोज की, हम लोग पहले से रह रहे हैं, तुम पहले बार देख रहे हो, हम क्या करें, है कि नहीं? तो वास्को डी गामा कहाँ था, पोर्टुगीज का था ना, पोर्टुगीज था ना वो 1498 वास्को डी गामा। तो यूरोपियंस में से जो पोर्टुगीज थे वो फर्स्ट इंडिया में आए थे, बट ब्रिटिशर्स ने गंदगी नहीं की थी और इन लोगों ने गंदगी की। गंदगी बोलने मतलब क्या है कि दे वांटेड टू स्पेंड, मींस एक्सपेंड वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से एक्सपेंड करना चाहते थे। एट द सेम टाइम दे वर टॉपलिंग द एग्जिस्टिंग रूलर और अपना फेस दिखा देना चाहते थे, ऐसा हो रहा था। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे वहां पर के, उसको हटा के अपना लगा रहे थे। सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, वो दो चीजें किए। पहला चीज क्या है, वो प्रिंटिंग प्रेस उन्हीं के देन है, दैट इज वेरी गुड कि प्रिंटिंग प्रेस इससे पहले इंडिया में नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस मतलब जैसे जो प्रिंट होता है चीजें, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्रॉट बाई पोर्टुगीज इटसेल्फ, और वो इसलिए लाए थे कि बाइबल जो है उसको प्रिंट करवा के वो लोगों में स्प्रेड कर सके। एंड वाई बाइबल, दे वॉन्टेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो उनसे तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि इनसिक्योरिटी फील होने लगा लोगों को, है ना, वहाँ के जो कि ये एक दूसरा रिलीजन हमारे पर थोप रहे हैं, है ना, अननेसेसरी इम्पोज कर रहे हैं, तो इस टाइप का इनसिक्योरिटी फील होने लगा। ब्रिटिशर्स तो ऐसा काम नहीं किए थे, वो किसी भी कस्टम कल्चर को घुसते नहीं थे इनिशियली। व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू रिमेम्बर, ये तो बहुत राजा राम मोहन राय वगैरह आए तब, ये मतलब काफी लेटर स्टेजेस में वो हमारे ये सब जो सती वाला जो था, डावरी, ये सब चीजों पे वो लेटर ऑन आए ना, विडोरी मैरिज वगैरह चीजें हैं वो बहुत बाद में आई। इनिशियली ब्रिटिशर्स यहाँ के कस्टम कल्चर्स को छूते नहीं थे, है ना, वो इनसिक्योरिटी फील नहीं करवाते थे, बट पोर्टुगीज ने ये काम करवाया, है ना, इनसिक्योरिटी फील किया, करवाया। सेकेंड थिंग क्या था, यू हैव नेवर हर्ड कि ब्रिटिशर्स रेप इंसिडेंसेस और ये सब चीज में इन्वॉल्व थे, कि इंडियन
गर्ल उठा लिए, रेप हो गया, ये सब टाइप की चीजें आप नहीं सुनोगे। कितना भी इन लोग क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे, पर इस टाइप का आपने सुना नहीं होगा, मतलब वेरी रेयर होगा, होगा भी तो बहुत रेयर होगा। बट पोर्टुगीज ना ये भी करते थे, इससे क्या है कि बहुत इनसिक्योरिटी माइंड भी क्रिएट हुआ। सो दैट्स व्हाई एक वन ऑफ द रीजन कि ये पोर्टुगीज आगे आए नहीं आ पाए, इसका रीजन था ये एक तो प्रिंटिंग प्रेस वाला पार्ट जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने का, सेकंड ये टाइप का जो गंदगी जो करते थे वो, है ना। तो दैट वाज द, और ब्रिटिशर्स ऐसा भी नहीं करते थे कि किसी किंग को हटाया और अपना बैठ गया, नहीं, कि ब्रिटिशर्स सिंपली किंग को रखे रहते थे उसका फेस में, है ना, लाइक अ पपेट टाइप का रखे रहते थे, बैक एंड में वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। तो ये चीजें को वो समझते थे, है ना, देयर वाज अ सिस्टम फॉर द ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, एंड दे वर वेरी मच डिसिप्लिन्ड। एनीवेज सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो इनके में ब्रिटिशर्स हो या अकबर हो, इनके में कुछ क्वालिटीज थी जो कि उस एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया। तो लेट्स सी अगर हमारे पास भी वो क्वालिटी हम समझ पाए कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो रियली इट विल बी हेल्पिंग अस कि कैसे किस तरीके से आगे पढ़ा जाए। तो आई वॉन्टेड टू शो कि स्वॉट एनालिसिस कैसे किया जाए अपने आप को, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट कैसे देखा जाए, लाइक दीज टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर इंटरनल एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आर एक्सटर्नल इन नेचर, है ना, ये चीजें इंटरनल है, इट मीन्स वी कैन वर्क अपॉन इट एंड दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट इन अवर हैंड, ये चीजें अपने हैंड में नहीं है। जब सिचुएशन नहीं पता हो तो आई हैव टोल्ड यू कि प्रिपेयर योर डिफेंस, और ये चीजें जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है ये आप क्या हैं और यू कैन वर्क अपॉन इट। अगर अपॉर्चुनिटी आए तो दैट्स बेस्ट, बट थ्रेट आए तो एटलीस्ट यू विल हैव सर्टेन डिफेंस, ये तो होगा। तो यू कैन सी स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हर के में अलग अलग होती हैं। हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्ट्रेंथ में क्या क्या चीजें हो सकती है, फर्स्ट थिंग कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बोलने का मतलब ये है मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड से होता है। फर्स्ट थिंग किसी के घर में जीके का बहुत एनवायरमेंट होता है, लाइक फादर इज ऑल्सो स्टेट सिविल सर्विसेस ऑफिसर और आईएएस आईपीएस ऐसा हो सकता है, और तो फादर मदर जो है, है ना, फादर मदर जो है वो खुद भी जीके का एक सोर्स है, है ना, एंड नोइंगली अनोइंगली दे हैव ट्रांसफर्ड सर्टेन नॉलेजेस इन योर माइंड, है ना, ये ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके माइंड में डाला है। तो अगर जिनके घर में पेरेंट्स ने ऐसा डाल के रखा है तो उनको हेल्प होगा, ट्रस्ट मी। व्हाट आई हैड सीन एट माय टाइम 2009 में, मैं जब दिल्ली में था तो मेरे समय में एक लड़का जो था वो आया था, वो आईआईटी दिल्ली का था, वो पढ़ाई वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में मेरे साथ पढ़ता था। तो उसके फादर थे आईएएस, उनकी मदर थी आईपीएस, है ना, वो ऑलरेडी आईआईटी दिल्ली का पास आउट था, और वो उसका जो जीके था ऑलरेडी उस लेवल का था जिसमें जो लेवल के लिए मुझे वन ईयर पढ़ना पड़ता, मतलब ऑलरेडी दे हैव प्रिपेयर्ड देयर किड्स इन द लेवल सो दैट उसका एफर्ट मिनिमाइज हो जाए, है ना। तो बैकग्राउंड हेल्प्स, सेकेंड बैकग्राउंड कैसे हेल्प करता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर यू हैव द सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स लाइक ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट करंट अफेयर्स कुछ भी पढ़ा है पहले, इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी। तो ये एक स्ट्रेंथ है, वैसे ही क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट इफ यू आर हैविंग, दैट इज स्ट्रेंथ, और एल्स जीके के कुछ ल्यूसेंट वगैरह की कुछ बुक्स अर्लियर यू हैव रेड फॉर एनी एग्जामिनेशन बिलो दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन, जिसके लिए भी पढ़ा है, इट इज ट्रूली हेल्पिंग यू, चाहे एप्टीट्यूड हो चाहे इंग्लिश हो, इट विल हेल्प यू। थर्ड, लॉन्गर सिटिंग हैबिट, लॉन्गर सिटिंग हैबिट सबका नहीं होता, दोज हु आर इन द कॉलेज दे हैव द सिटिंग हैबिट, बट दोज हु हैव जस्ट पास आउट क्लास 12th दे हैव द लॉन्गर सिटिंग हैबिट एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि हम लोग पूरे जीवन में अपने लाइफ टाइम में हाईएस्ट सबसे ज्यादा काम जो सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना वो क्लास 11 क्लास 12th होता है, इजंट इट, अपने लाइफ का सबसे ज्यादा मेहनत उसी समय होता है, बिकॉज परसेंटेज बनाना है हम लोग को, कॉलेज का करियर कौन से कॉलेज में जाना है वो सब करना होता है। तो क्लास 12th में के बाद जो पास आउट होकर निकलते हैं उनका सिटिंग हैबिट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी एंड द कंसंट्रेशन लेवल इज वेरी गुड, है ना। तो इसलिए क्लास 12th के बाद जो लोग ज्वाइन करते हैं दैट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, वो एक अच्छा हैबिट है। अगर नहीं है लॉन्गर सिटिंग हैबिट, नो इश्यू, हम लोग को बनाना है, ह्यूमन एनिमल से इसलिए डिफरेंट है कि वी कैन इम्प्रूव अपॉन, इजंट इट, हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिनका ये है ये स्ट्रेंथ है, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल जो पर्सन है, सच में बता रहा हूँ, ये सारे चीजें उसके लिए कुछ नहीं है,
इस लेवल का है इम्पोर्टेंट, इफ यू आर इमोशनली स्टेबल है ना, रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन वॉट एवर इट मे बी है ना, इफ यू आर एबल टू मेंटेन काम, आप काम मेंटेन कर पा रहे हो, देन यू आर विनर, आई एम सेइंग, ठीक है ना, काम मेंटेन कर पा रहे तो। काम मेंटेन मतलब क्या है, देखो प्रेशर हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन का फीवर होता है, फियर होता है, जिसके कारण से फीवर होता है, तो वो जो फीवर है हम लोग को नहीं लाना है ना, ये एग्जामिनेशन हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि हमारे लाइफ पे कुछ बेटर कर सके, बट नहीं होगा तो हो सकता है उससे बेस्ट हो जाए, तो ये बेटर करने का वन ऑफ द वे है। यू माइट बी द एंटरप्रेनर लाइक अनअकैडमी और ये टाइप का, आप एंटरप्रेनर भी बन सकते हो ना, सो देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइस है ना, इट इज वन ऑफ द वे थ्रू विच यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, इट इज सिंपली एज दैट। और जैसे आप क्या करते हो, मूवी जाते हो, एंटरटेनमेंट होता है 3 घंटे का और मजा आता है और मन अच्छा हो जाता है, इन द सेम मैनर 1.5 ईयर प्रिपरेशन करना है, बस वो 1.5 ईयर बहुत डेडिकेटेड तरीके से देना है, है ना, देना है, होता है, बेस्ट है, नहीं हुआ देर इज नो शो, देर इज नो शो, UPSC is not the life. I am trying to improve my life through the way of the UPSC. नहीं होता या होता दोनों कंडीशन में जो चीजें मैं कर रहा हूँ उसके साथ जस्टिफिकेशन करो, है ना, मिस दिस 18 मंथ्स आई विल बी गिविंग कंप्लीट जस्टिफिकेशन विद दिस एग्जामिनेशन, सो दैट लेटर ऑन आई शुड नॉट बी लुकिंग बैक, मैं उसके बाद फिर से वापस जाके बैक ये ना देखूँ कि मैंने मेहनत नहीं की। अगर आपको लगेगा कि मैंने हार्डवर्क नहीं किया तो अगले साल फिर से बैठोगे और वो टाइम वेस्ट करेगा आपका, है ना, तो फीलिंग ऑफ गिल्ट इस वो आपको खा जाता है, फीलिंग ऑफ गिल्ट सच में पूरा 5 साल 10 साल खा जाएगा, अगर आपने अच्छे 1 साल अच्छे से नहीं पढ़ाई किया ना, तो वो गिल्ट फील के कारण से अगले साल फिर बैठोगे, फिर से बैठोगे, फिर से बैठोगे। रिग्रेट जो फील होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ना जो पर्सन मर जाता ना उसको ज्यादा फ्लावर्स मिलते हैं रादर देन जो जीता रहता है, क्योंकि जो मर जाता है ना तो उसके साथ लोग जो लोग हैं ना उनको रिग्रेट फील होता है कि मैंने टाइम क्यों स्पेंड नहीं किया या मैंने उसको ज्यादा समझा क्यों नहीं, ये सारा चीज है, तो फीलिंग ऑफ रिग्रेट इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर। जिंदा पर्सन को ज्यादा फ्लावर नहीं मिलेंगे, जो मरने के बाद फ्लावर मिलेंगे और लोग उसको ज्यादा मिस करेंगे, रिग्रेट फीलिंग ना बहुत खराब है, तो इसलिए रिग्रेट फीलिंग से अलाउ हटो। और सेकंड रिजेक्ट फीलिंग क्या है, यूपीएससी रिजेक्ट करे उससे पहले आप रिजेक्ट कर दो, बिकॉज फीलिंग ऑफ रिजेक्शन जो होता है ना वो माइंड पे ना आपका कॉन्फिडेंस को लूज करने का ये लूज करवा देता है, इसलिए ना कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को इस साल अटेम्प्ट देना है यूपीएससी पर मैं ऐसे जस्ट देखना चाहता हूँ एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस के लिए दे दिया, रिजेक्ट हो गया, आपको लगा ठीक है एक्सपीरियंस हुआ, नहीं आपके माइंड में ये नहीं गया, आपके माइंड में ये फील हुआ कि रिजेक्ट हो गया आप, रिगार्डलेस ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड और नॉट यू आर फीलिंग दैट यू हैव बीन रिजेक्टेड, इसलिए सिर्फ चेक करने के लिए एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम देना है तो पूरा प्रिपरेशन के साथ देना है, आई वॉन्ट टू टेस्ट माई सेल्फ, अरे टेस्ट करो ना पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से टेस्ट करो अपने आपको, जेंडेड है ना, तो रिग्रेट फीलिंग नहीं होना चाहिए और रिजेक्शन, अगर ऐसा लग रहा है आप यू विल बी रिजेक्टेड इन समवेयर तो राधा देन आप रिजेक्ट कर दो उसके, सच बता रहा हूँ ये लाइफ में भी वर्क करता है, आपको लगता है जॉब से निकालने वाला आप जॉब से उसको हटा के निकल जाओ, सो दैट क्या कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज होगा वो लाइफ टाइम का होगा, जॉब तो कभी भी निकल जाए आ जाएगा, इफ एनी पर्सन इज गोइंग टू रिजेक्ट यू बिफोर ही इज रिजेक्टिंग और शी इज रिजेक्टिंग यू, रिजेक्ट हिम और हर, एटलीस्ट आपके माइंड में रहेगा कि मैंने उसको रिजेक्ट किया है ना। यूपीएससी एग्जामिनेशन एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट में नहीं हुआ, रिजेक्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन है ना, यू वोंट बी फीलिंग रिग्रेट, isn't it? इसलिए रिग्रेट नहीं फील करवाना है, रिजेक्ट नहीं होना है, इसलिए या तो सेलेक्ट हो, और सेलेक्ट तभी होगे जब उसके साथ आप जस्टिफिकेशन करोगे, isn't it? ठीक, देखो मैं एकदम पूरा लाइफ का ज्ञान दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ना, मैं बस बाबा नहीं हूँ कि यहाँ पे दाढ़ी वाड़ी बन जाए और ऐसे एकदम बड़े लंबे बाल हो जाए, वैसा नहीं हूँ, बट आई एम सच में बता रहा हूँ, आपकी लाइफ सुधर जाएगी अगर आप मेरे साथ रहोगे तो एनीवेज है ना, तो व्हाट आई एम सेइंग दिस, इमोशनली स्टेबल द पर्सन हु इज इमोशनली स्टेबल रियली ही इज द विनर है ना, ही और शी इज द विनर। एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी क्या होती है, एवरीवन नोस कि एनालिटिकल एबिलिटी क्या होती है, कुछ लोगों का ना
हैबिट होता है कि वो थोड़ा सा बाल की खाल निकालते हैं, उसको बोलते हैं, है ना हिंदी में। तो क्या है कि हम लोग ज्यादा डीप में जाते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को, एंड इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड, बिकॉज एनालिसिस ब्रेन में अलग लेवल का एक्सरसाइज करवाता है, इट इज गुड। जिनके पास ऐसा है वो भी अच्छी बात है। मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड, इस एग्जामिनेशन में सारे स्किल लगेगा, सच बता रहा हूँ। हैंड राइटिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो दीज आर द स्ट्रेंथ्स, अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी ऑफ द थिंग्स यू फील कि इस एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेंथ है, यू कैन टेल मी। तो ये चीजें हैं स्ट्रेंथ की। वीकनेसेस क्या, अपोजिट इसका, मेरा मेमोराइजिंग अच्छा नहीं था, मेरे पास मेरा नहीं था सच में बताऊं, पर एनालाइजिंग बेस्ट था आई एम सेइंग। तो मेमोराइजिंग अच्छा नहीं था, तो दैट वाज माय वीकनेस, दैट्स व्हाई मैं स्टेट के पीएससीज में नहीं बैठता था। सेकंड, हैंडराइटिंग, यस, हैंडराइटिंग इफ इट इज बैड यू कैन वर्क अपॉन इट। रिसोर्सेस, इफ यू हैव फॉलोड रॉन्ग रिसोर्सेस देन इट विल वेस्ट योर टाइम। जैसे मेरे टाइम में क्या हुआ था, 2009 में एक्चुअली बंगाल में रहकर तैयारी किया, 2010 में मैंने दिल्ली गया था। 2009 में पहले बंगाल में रहकर जब प्रिपरेशन किया, 1.5 ईयर एकदम सीरियस प्रिपरेशन किया, एंड आई वॉज डूइंग गुड इन द क्लास, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर इन द क्लास। जब भी टेस्ट वगैरह होता था आई वॉज वेरी गुड, आई वॉज थिंकिंग दैट आई विल बी क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर। जब मैंने एग्जामिनेशन दिया तो इट वॉज डिजास्ट्रस। तो वॉट हैपन, मैंने देखा कि यार मैं क्या किया, यूपीएससी ने जो पूछा था और जो मैं पढ़ रहा था साल भर, वो तो काफी डिफरेंट था। मींस द होल ऑफ द ईयर दे वर टीचिंग मी ऑफ द डब्ल्यूबीसीएस, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का पढ़ा रहे थे, और मुझे लग रहा है मैं यूपीएससी का पढ़ रहा हूँ, है ना, उस समय 2010 की बात थी। तो व्हाट डज इट मीन कि मुझे गलत रिसोर्सेज या गाइडेंस मिल गया जस्ट बिकॉज इट इज, इसके कारण से मेरा एक साल वेस्ट हो गया। तो दैट्स व्हाई रिसोर्सेज, करेक्ट रिसोर्स मिलना या रिसोर्स का अपोर्ट करने की कैपेबिलिटी आना, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्योंकि वीकनेस ये हो जाता है कि अगर मैंने गलत रिसोर्सेस यूज के लिए या गलत टीचर मिल गया, और वही चीज रिसोर्सेज की अगर सही टीचर मिल गया तो वो रिसोर्स है। टाइम, टाइम्स इट वीकनेसेस ऑल्सो एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑल्सो। वीकनेस ये होता है कि इफ यू आर वर्किंग, इफ यूर कॉलेज गोअर्स, तो इट इज डिफिकल्ट कि यू विल बी एबल टू गेट टाइम, और इफ यू आर ब्रेड अर्नर फॉर योर फैमिली तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब क्या है, जिनको टाइम कम मिलता है ना तो उनको लॉन्गर टाइम स्पेंड लेना पड़ेगा, मतलब एक साल ना लेके 2 साल का टाइम का अपना फ्रेम रखना पड़ेगा। इमोशनली वो तो बता ही दिया, राइटिंग, हाँ राइटिंग स्पीड भी थोड़ा सा रिक्वायर्ड होता है। अगर अच्छा स्पीड होता है तो 20 क्वेश्चंस को, सारे 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, और हियर इन दिस एग्जामिनेशन ऑल 20 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हो तो चांसेस ऑफ क्रैकिंग द एग्जामिनेशन इज मोर। अपॉर्चुनिटीज, बहुत टाइप की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज लाइक इफ यू हैव गॉट सर्टेन करिज्मेटिक टीचर, दैट इज ऑल्सो गाइडेंस, और कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट या एस्पिरेंट मिल जाता है आपको, या आपके भाई ब्रदर में कोई ऐसा है जो आपको गाइड कर रहा है, दैट इज वेरी गुड। मेंटरशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टडी मटेरियल्स जो होते हैं अगर आपको सही मिल जाते हैं, कंपनी अच्छी मिल जाती है, गेस्ट लेक्चर्स अच्छे मिल जाते हैं, वैकेंसीज साल का अच्छा हो गया, या सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा लूज हो गया जो कि आपको सुटेबल है, इन दैट केस ये दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। व्हाई आई एम सेइंग वैकेंसीज, देखो क्या है, लास्ट ईयर ओनली 700 समथिंग वैकेंसी वाज देयर, एट माय टाइम अराउंड 900-1000 वैकेंसीज यूज्ड टू बी देयर। तो इट मींस क्या है, इस साल अगर वैकेंसी कम हो गया मतलब 300 सीट कम हो गया, 300 सीट कम हो गया मतलब यू कैन सी के अराउंड 30,000 स्टूडेंट तो ऐसे गए, और मोर देन 30,000 आई गेस, अननेसेसरी मेरा टाइम चला गया। तो ये एक है अपॉर्चुनिटीज में। थ्रेट में वही चीज है कि सर टफ पेपर आ गया, कंपटीशन इस बार ज्यादा हो गया, हुआ था पास्ट में ऐसा, लाइक जैसे 2020 में कोविड का टाइम होने के कारण से मेनी ऑफ द एस्पिरेंट वेयर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, सो 21 में कंपटीशन बढ़ गया, है ना, 21 में कंपटीशन बढ़ गया। एट द सेम टाइम जॉब लॉस भी काफी हुआ 20 में कोविड के कारण से, बिजनेस का लॉस हुआ, तो दैट्स व्हाई पीपल वेयर मोर inclined towards the government examination, so इसलिए competition बढ़ गया। Selection criteria, it happens कि suppose 32 year का 30 year का अगर criteria अगर दिया government ने तो ये हमारे लिए गलत हो जाता है। Painful relationship एक बहुत threat है यार, समझो, है ना, आप लोग जिस stage में हो ये बहुत time waste करता है, trust में ये बहुत time waste करता है, तो इसलिए क्या है, please check कि अगर ऐसा relationship है उसको calm, peaceful रखो, means none of the things should be disturbing you. तो एटलीस्ट ना काम रखो, मैं एम सेइंग दिस, चीजों को ना पीसफुल रखो सराउंडिंग्स में। जैसे क्या है, अगर मैं गाड़ी पे जा रहा था और मेरी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, मेरे कार को किसी ने हिट कर दिया, अब मैं उसके साथ आर्गुमेंट किया, पूरा अच्छे से आर्गुमेंट किया, वो भी मेरे को 10 गाली सुना के चला गया, है ना, और मैं उससे पैसा भी नहीं निकाल पाया, तो व्हाट हैपेंड कि उसने मेरा नुकसान तो किया, है ना,
बट एट द सेम टाइम मेरा मेंटल पीस भी हटा दिया. तो मेंटल पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द फाइनेंशियल डैमेज विच यू कैन सी. क्योंकि मेंटल पीस मेरा हटाया ना, तो इसके कारण से मेरा 1-2 days मेरा वेस्ट हो सकता है ना. मैं लोगों से डिस्कस करूंगा, मैं उससे रिवेंज लेने की कोशिश करूंगा, मेरा 2 days का नुकसान हो गया. 2 days का नुकसान हुआ, सपोज मेरा 4 marks का नुकसान हो गया. और 4 marks मतलब हो सकता है कि 1 year मैं पीछे चला गया, मतलब उसने 1 year का मेरा नुकसान कर दिया. 1 year का नुकसान कर लिया मतलब क्या है, अगर मैं इस साल सेलेक्टेड हो जाता तो मतलब 1 साल पहले मेरे को सैलरी मिल जाती. 1 साल से पहले सैलरी मिल जाती मतलब क्या है, मेरा 1 lakh पर मंथ का नुकसान कर दिया उसने, मतलब 12 lakh का नुकसान कर दिया. 1 साल पहले मुझे सैलरी मिल जाना मतलब क्या है कि मेरा रिटायरमेंट के समय 1 साल एक्स्ट्रा मिल गया. 60 years में हर किसी का रिटायरमेंट है, चाहे आप 31 में घुसो या 21 में एंटर करो, 60 में हर किसी का रिटायरमेंट है. रिटायरमेंट के समय मेरा पर मंथ सैलरी कितना होगा, 3 से 4 lakh अभी के कंडीशन में, और लो समय हो समझो 5-10 lakh है ना पर मंथ. और अगर उसको 1 साल का कैलकुलेट करूँ तो हो सकता है मेरा करोड़ों का नुकसान. तो उस 2000 या 3000 का जो उसने नुकसान किया वो तो नहीं था, पर मेरा करोड़ों का नुकसान हो चुका है उससे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इफ बिकॉज ऑफ एनी रिलेशनशिप और बिकॉज ऑफ एनी थिंग अगर मेरा मेंटल पीस जाता है तो मेरा करोड़ों का नुकसान है. दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू. मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से 1 साल वेस्ट होना मतलब समझते हो, अगर आप लोग सोचते 1 साल ड्रॉप लिया उसका मतलब समझते हो. अगर आप आज जॉब में रहते तो 12 लाख कमाते हैं, एट द सेम टाइम आप जब रिटायरमेंट में होते तो करोड़ों कमाते हैं 1 साल में, है ना. वो टाइम नुकसान कर दिया किसी ने आपका, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम हुआ. सेकंड प्रॉब्लम क्या हुआ, टाइम का नुकसान. टाइम नुकसान 2 days का टाइम जो होता है दैट इज फ्रॉम योर लाइफ, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. 2 days का टाइम उससे पूछो जिसका हार्ट अटैक आ चुका है और जस्ट वो सर्वाइव करना चाह रहा है, तो 2 days का टाइम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. 2 days का टाइम उससे पूछो जो कि आर्मी वाले लोग जब आते हैं वापस घर पे और उनको 2-3 days बस मिलता है फिर से वापस जाते हैं, तो ये 2-3 days बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग, इफ एनी पर्सन, जिस भी पर्सन को अगर हम लोग रिवेंज लेने के लिए भी, रिवेंज लेने के हिसाब से भी अगर हम लोगों ने उस पर टाइम वेस्ट कर दिया तो वो हमारा 1 साल फिर से वेस्ट कर दिया. वो पर्सन ने तो नुकसान किया पर उसका रिवेंज लेने के चक्कर में मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ और मेरा मेंटल पीस गया, उसने फिर नुकसान कर दिया. इट मींस दैट पर्सन हैज टेकन अगेन रिवेंज विद यू, है ना. तो इसलिए क्या है, इसलिए गांधी जी ने बोला ना कि फॉरगिवनेस इज द साइन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल पर्सन रादर देन वीक पर्सन. क्योंकि फॉरगिव कर देने से क्या होता है ना कि यू आर एबल टू सेट योर प्रायोरिटीज, कि मेरा वो चीज नहीं है कि मैं उसको ध्यान दूं. Because that person doesn't deserve me, or that phenomena doesn't deserve me, or doesn't deserve my attention also even, है ना. तो इसलिए forgive करना या forget करना difficult है, forgive कर देना है ना ये बहुत easy और अच्छा है, कर दो, tension खत्म होता है. थोड़ा सा यो hurt होगा, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, चलेगा बिल्कुल. मेरा 1 year नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो keep forgiving the people who were surrounding you, जिसने आपके साथ नुकसान किया, ये किया, उसको forgive करके निकाल दो. 1.5 year, I want your full attention. अब उस वो किसी भी cost में मेरे को नहीं चाहिए. वो person जो है अपना career बनाएगा नहीं बनाएगा, आपका career खा जाएगा, है ना. तो इसलिए क्या है, friends हो सकते हैं, neighbor हो सकता है, या family के members भी हो सकते हैं कोई ऐसे, तो वैसे लोगों को हटा के चलो, negative mentality के लोगों को हटा के चलो, है ना. That's what I think. Bad habits में ये होता है यार कि ये जो alcohol and और जो स्मोकिंग वाला जो चीज है ना, ये अननेसेसरी ना, आप डिपेंडेंट हो जाते हो उसके, है ना. यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दोस थिंग्स. व्हाट हैपेंस कि जैसे बैड हैबिट हो जाने से क्या है, आपके हेल्थ पे काफी असर पड़ता है और इट वेस्ट योर टाइम. 4-5 days आपका टाइम वेस्ट हो जाता है ना. तो बैड हैबिट्स थोड़ा सा अवॉइड करना डिफिकल्ट होता है, बट कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. एनवायरमेंट को थोड़ा पीसफुल रखना. एनवायरमेंट में कुछ भी हो सकता है, रूममेट हो या रिलेटिव्स हो ऐसे जो कि परेशान करते हैं, थोड़ा सा उन लोग से दूर जाओ, ठीक है ना. सो दोज आर द थिंग्स, एवरी सिनेरियो आई हैव डिस्कस्ड टू यू, है ना. नाउ आई वांट यू ऑल, मैं आपसे ये बस इतना चाहता हूँ इसमें से कि अपने पेपर में फ्रंट पेज में राइट डाउन योर 5 strengths and 5 weaknesses. 5 strengths and 5 weaknesses आप नोट डाउन करो. प्रेजेंटली आप सिर्फ मुझे 2 ही strengths and 2 ही weaknesses बताओ अभी, पर आपके पास है strength, 5 strength है, ट्रस्ट मी
और वो पांच स्ट्रेंथ खोजो, पांच वीकनेसेस भी है वो भी खोजो, इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। आई एम आस्किंग यू कि आप थोड़ा सा इस चीज को लिखो सो दैट मैं आप उस पर इम्प्रूव अपॉन करा सकूँ आप लोगों का, तो वो चीजें है ना। देखो क्वेश्चन या तो इसके बीच में लाई करे, इसके बीच में लाई करे, इसके बीच में लाई करे, या इसके बीच में लाई करे, डिपेंड्स। लाइक सपोज दिस ईयर अपॉर्चुनिटी इज देयर, अपॉर्चुनिटी इज देयर, व्हाट डज इट मीन? नंबर ऑफ सीट्स आर मोर प्लस द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड आर फ्रॉम हिस्ट्री व्हिच इज माय पुअरेस्ट सेक्शन। क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा है और इस साल एग्जामिनेशन जो है उसमें सीट्स ज्यादा है, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में मिनी मैक्सी या ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें से क्वेश्चन है उसको छोड़ना मत, वो ऑफेंसिव हो। सेकंड, जो वीक एरिया है से उसके क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को हिला लो, कुछ क्वेश्चन को चला लो, मतलब जितना सॉल्व होता है। जो स्ट्रॉन्ग एरिया, सपोज ज्योग्राफी इज स्ट्रॉन्गर एरिया, तो ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। एंड हिस्ट्री अगर पुअर एरिया है और उसी से ज्यादा क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट तीन चार क्वेश्चन, पांच छह क्वेश्चन एटलीस्ट यू शुड बी अटेम्प्टिंग। तो ये है अपॉर्चुनिटीज एंड वीकनेसेस। बट अगर क्वेश्चन आपका लाई करता है अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ थ्रेट के बीच में, मतलब दिस ईयर वैकेंसी इज मोर प्लस स्ट्रेंथ है ना, प्लस आपके ऐसे एरिया से क्वेश्चन पूछा है जो कि आपका स्ट्रांग एरिया है, तो यू विल हैव टू प्ले एग्रेसिवली। इट हैपेंस ना कि अब कोहली को होम ग्राउंड मिल गया, वो भी ऐसा बॉलर मिल गया जिसको वो बहुत पीटता है, तो फिर दे दनादन है ना। व्हाट डज इट मीन कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है, इसमें क्या है मैक्सी मैक्सी, मतलब क्या है मैक्सिमम एफर्ट देना है इसमें। क्यों पता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया है, अटेम्प्ट करो 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको पता है इस बार इट्स योर्स। फिर आता है स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस पूछा है, पर इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लेस है ना, मतलब क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही पूछा है बट वैकेंसी आर लेस। इस कंडीशन में क्या है? डाइवर्सिफिकेशन इज द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब डाइवर्सिफिकेशन क्या है, जैसे हम लोग स्टेट के, जैसे हम यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में व्हाट यूज्ड टू हैपन कि 5 यूनिट के में से 3 यूनिट करके चले गए, सो दैट मेरा 70% मार्क्स सिक्योर हो गया, 60% मार्क्स मेरा सिक्योर हो गया, मुझे उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, मुझे टॉपर नहीं बनना है, वो टाइप का रहता है। बट इन यूपीएससी एग्जामिनेशन में सपोज आई हैव नॉट रेड पॉलिटी प्रॉपरली और हिस्ट्री को मैंने छोड़ दिया या किसी पर्टिकुलर मेजर सब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो अगर क्वेश्चन इसमें इस जोन पे लाई करता है तो स्ट्रेंथ वाला एरिया से क्वेश्चन था, बट इस साल क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, मतलब स्ट्रेंथ जैसे ज्योग्राफी के सपोज 25 क्वेश्चन आ गए, इट इज गुड चलो, बट अगर मेरा मेरा बाकी पोर्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग नहीं है कि मैं रिमेनिंग से अराउंड 25 क्वेश्चन को और हिला सकूं चला सकूं, तो क्या होगा कि मैं अपने स्ट्रांग एरिया पे तो बहुत अच्छे कमांड कर लिया बट हिस्ट्री पॉलिटी पे अच्छे से नहीं कर पाया। इट मीन्स डाइवर्सिफिकेशन। इफ आई एम डाइवर्सिफाइड, इफ आई हैव रेड ऑल द 5 यूनिट्स, अगर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली पढ़ा है सो दैट उसमें से इजी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूँ, तो दैट विल डू द जॉब। क्योंकि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आएगा तो वो तो मैं 20 में से एटलीस्ट 15-18 तो मैं कर लूंगा, बट हिस्ट्री में से अगर 10 क्वेश्चन आते तो एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन मेरे बने। तो इस कंडीशन में डाइवर्सिफिकेशन इज द स्ट्रेटेजी। दैट वॉट यूज टू हैपन, यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जैसे द्रविड़, राहुल द्रविड़ जो थे है ना, इंडिया के पिच में तो अच्छा खेलेंगे बट जब से फॉरेन के पिच में वो वहां पे भी खेलते थे, क्योंकि क्या है दैट पर्सन वॉज नोइंग हाउ टू डिफेंड। और टेस्ट मैच में ऐसा है कि अगर फॉरेन पिच में आप एटलीस्ट डिफेंड भी कर लो तो रन बनते रहेंगे। तो इस कंडीशन में आपको डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब जब बॉलर ऐसा आया कि जब अच्छा मतलब आपका फेवरेट बॉलर आ गया तो फिर उसको मार दिए, पर दूसरा बॉलर है तो डिफेंड कर लिया, इतना तो होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन अगर आ गया वीकनेस एंड थ्रेट, मतलब ऐसे से क्वेश्चन आए जिसमें से आपका वीकनेस था एंड एट द सेम टाइम इस साल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर ऑल्सो लेस, देन क्या है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। मतलब इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है, मिनिमम क्वेश्चन जितने बनते हैं मेरे से करेक्ट बनते हैं उतना ही करेक्ट को मैं सॉल्व करके चला गया, बिकॉज इट मे हैपन कि अदर एस्पिरेंट्स के लिए भी यही जोन पे पड़ा,
जैसे किसी साल का क्वेश्चन पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ हो सकता है। इट डजंट मीन मुझे 60 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही, इसके लिए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जस्ट बिकॉज आई आई कैन थिंक कट ऑफ ऐसे ही जाएगा। नो जितना मेरे से करेक्ट सॉल्व हो पा रहा है उतना मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। सो दैट्स द स्ट्रेटेजी। तो आई विल बी आस्किंग यू ऑल प्लीज टेल मी कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। अनिकेत टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, मुझे अपना स्ट्रेंथ बताओ। अनिकेत इंटरेक्शन नहीं रखोगे तो फिर मुझे मजा कैसे आएगा बताओ। मैं फुल पोटेंशियल से अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ आप लोग को, आप लोग से इंटरेक्शन नहीं होगा, इवन आप अनम्यूट करके बात नहीं कर पा रहे हो, या तो हो सकता है हो नहीं प्रेजेंट। इसलिए क्या है, मैं आई वॉन्ट कि वेबकैम में ऑन रहो, वेबकैम में रहो और नेक्स्ट क्लास में सारे लोग वेबकैम पे ऑन रहना और लैपटॉप पे प्रॉपर पेपर एंड पेन के पास साथ रहना, क्योंकि अगर ऐसे कंडीशन में मेमोराइजिंग एंड लॉन्गर सिटिंग, अनिकेत ओके, मेमोराइजिंग एंड लॉन्गर सिटिंग हैबिट अगर आपका है तो इट्स गुड, दोनों चीजें अच्छी है। मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन में ना, इवन जिनका खराब भी है वो भी थोड़ा सा मेमोराइज करने का कैपेबिलिटी रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स डालने होते हैं ना। इफ यू विल बी सपोर्टिंग योर आंसर विद स्टेटिस्टिक्स डेटा एंड सर्टेन एग्जाम्पल्स है ना, देन ओनली योर आंसर विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना। मैं हवा में कितना बात करूँ, जब तक मैंने उसका डेटा नहीं दिया है ना, मैंने कहीं से कुछ अच्छे सर्वे का रेफरेंस नहीं दिया तो मेरा आंसर कैसे, वो तो हवा में बात होगी। तो यस मेमोराइजिंग इज गुड एंड सेकेंड थिंग लॉन्गर सिटिंग हैबिट इट विल वर्क श्योरली। अनिकेत एंड योर वीकनेसेस आप लिख के बताओ अगर नहीं बोल पा रहे हो तो। अश्मिता व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके राइटिंग स्पीड इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ अनिकेत, वेरी गुड। अश्मिता वॉट आर योर स्ट्रेंथ्स। वेरी गुड मेमोराइजिंग गुड एंड फास्ट राइटिंग इवन इंग्लिश इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ ना, इंग्लिश आपका अच्छा है तो दैट इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ। और मैंने बताया इंग्लिश उतना ही चाहिए अपने को जितना हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग को आंसर कर सकें। दिस व्हाट आई नो आई शुड बी इन द पोजिशन आई शुड बी एबल टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स ओवर पेन एंड पेपर एंड वर्बली ऑल्सो। गुड अश्मिता और वीकनेसेस टिल द टाइम विदाश्रिता प्लीज tell me your strength and weakness. Handwriting strength and memorizing. Handwriting and memorizing, that is your strength, it is very good. And weaknesses? Sir, I do a lot of spelling mistakes and longer sitting. Normal sitting? Longer sitting. Okay, you cannot sit for a mistake. Okay. लॉन्गर सिटिंग का एक मीनिंग ये है जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि इट डजंट मीन कि 5 आवर्स आई विल हैव टू सिट इन द चेयर एंड टेबल, बट एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू कंसंट्रेट आफ्टर फ्यू ब्रेक्स। जैसे क्या है 45 मिनट्स के बाद तो आपको एक ब्रेक लेना ही चाहिए, एवरीवन टू फॉर इट इज फॉर एवरीवन, आफ्टर 45 मिनट्स यू विल हैव टू टेक ब्रेक एंड दैट ब्रेक शुड बी लाइक दिस कि उसमें थोड़ा सा वॉक कर लो और वॉक करके फिर से वापस आ जाओ। इट डजंट मीन कि किसी से कॉल करो क्योंकि फिर कंसंट्रेशन जाएगा, है ना। तो ब्रेक्स ऐसे लेने हैं जिसमें आप पानी पी लो, पानी पीना जरूरी है, टॉयलेट वगैरह होके अपना थोड़ा सा वॉक करके फिर से आप बैक टू ये रहा। तो 45 मिनट्स के बाद ना 2 मिनट्स 5 मिनट्स का ब्रेक चलता है,
तो लॉन्गर सिटिंग हैबिट अगर ऐसा है कि जिसमें 45 मिनट्स के बाद ब्रेक है एंड फिर 45 मिनट्स फिर 45 मिनट्स, इट इज ओके, इट इज कम्प्लीटली ओके. द थिंग इज दैट आपको वापस आना है, मतलब 4 आवर्स आपको बैठना है पढ़ने के लिए, जिसमें से ब्रेक होंगे बट 4 आवर्स 5 आवर्स आपको पढ़ना है बैठने के लिए, ना दैट्स द थिंग. ओके एंड वीकनेसेस विदर्शिता. स्पेलिंग मिस्टेक वन ऑफ माय बिग मिस्टेक्स. हाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स. यस यस लाइक जब बहुत वो फ्लो होता है ना आंसर लिखते लिखते, तो ध्यान नहीं रहता कि कुछ वर्ड्स मिस हो जा, कुछ लेटर्स मिस हो जाता है वर्ड्स में, वैसा लाइक मे बी आई न्यू द वर्ड और मे बी आई न्यू द स्पेलिंग, बट लिखते लिखते हो जाता है कुछ एक दो लेटर्स. Yes, it may happen. It happens. तो क्या है, you'll have to do conscious writing initially. ये क्या है, जब भी unconscious writing करते हैं हम लोग, तो ऐसा होता है कि like the teacher is saying something and I'm writing something, है ना. So मेरा उस समय मेरा main target क्या रहता है कि teacher जो बोल रहा है उसको मैं बस note down करूँ, regardless of उसका spelling क्या है या grammar कैसा है, it happens. But जब ना अब try करना उसी चीज को consciously लेके आना, मतलब क्या है जब टीचर पढ़ा रहा है उस चीज को नोट डाउन करना है, एट द सेम टाइम ट्राई टू मेंटेन हैंडराइटिंग आल्सो एंड ट्राई टू मेंटेन ट्राई टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स आल्सो. ये दो चीजों को साथ साथ करवाते जाना, ये प्रैक्टिस का काम है, धीरे धीरे हो जाएगा, इट विल डू. और सेकेंड थिंग क्या है, अगर स्पेलिंग्स का थोड़ा सा डाउट होता है तो हम लोग जितना न्यूज पेपर पढ़ेंगे ना, है ना, तो उतना ज्यादा ना स्पेलिंग्स हमारे को ऑटोमेटिकली आ जाएंगे माइंड में, कि हमको समझ आ जाएगा ये तो नहीं था इसका स्पेलिंग, इसका ये था तो नहीं था करके. तो ना जितना हम लोग टाइम देंगे न्यूज पेपर रीडिंग में, इट विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव, है ना. ये चीजें हैं. तो एक तो कॉन्शियसली लिखना है, वो आपको सॉल्व करेगा, एंड सेकंड थिंग रीडिंग न्यूज पेपर्स मोर मोर एंड मोर न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स, इट विल हेल्प यू. ये है अश्मिता. अच्छा आपकी वीकनेसेस, लेट मी चेक. लॉन्गर सिटिंग प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी रिसोर्स गैदरिंग. हाँ ये देखो, रिसोर्स गैदरिंग ना एक बड़ा ही चैलेंज है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ मैं देखता हूँ. क्या है कि हियर इन द फर्स्ट ईयर आल्सो आई माइट हैव टोल्ड यू कि व्हाट नॉट टू रीड इज द मेन थिंग. यूपीएससी के 3 लेवल है, तीनों में क्या क्या चीजें हैं. पहला चीज कि व्हाट नॉट टू रीड बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, जो 1.5 ईयर के लिए व्हाट नॉट टू रीड. सेकेंड थिंग है which question you should not attempt or which question you will have to skip. This part you will have to know for the prelims examination. Mains examination mein what are the things which you don't have to write, kya cheeze nahi likhni hai, and interview mein what not to speak. Ye teen cheeze jo hai thoda sa janna time lagega, but it will do. Ye dheere se ho jayega. Ki resource gathering jo hai na, ये प्रॉब्लम क्या होता है कि रिसोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है और हम लोग चाहते हैं कि ना बेस्ट ऑफ द, हम लोग मटेरियल से बेस्ट ऑफ द चीजें कलेक्ट करें. तो क्या है, ये तो कर सकते हैं पर इससे टाइम जो जाता है ना वो बहुत ज्यादा टाइम जाता है. रादर देन कीप दोस पार्ट विद टीचर्स, उसको टीचर के ऊपर छोड़ दो, मतलब जो टीचर बता रहे हैं ना सिर्फ उतना ही करो, है ना. क्या है, आपके जैसे मैं भी था, व्हाट आई एम सेइंग अश्मिता, कि रिसोर्स गैदरिंग क्या है, जहां कहीं से कुछ और अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो मैं करता था. मैं बेस्ट करने के चक्कर में मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा था, है ना. सो इससे अश्मिता, इससे टाइम वेस्ट होता है. तो इसलिए क्या है, सिंपली ये पार्ट जो रिसोर्स वाला पार्ट को हमारे पर छोड़ दो. इट मींस जो बुक मैंने पढ़ने बोला है वो बुक को ही पढ़ो, अभी उससे ज्यादा मत जाओ, अपने आप को लिमिट करो. रादर देन रीडिंग मल्टीपल बुक सिंगल टाइम, इट इज बेटर टू रीड सिंगल बुक मल्टीपल टाइम्स, है ना. तो रिसोर्स गैदरिंग इवन वॉइस में और ज्यादा होता है कि कहीं से इधर पीडीएफ मिल गया, उसका विजन आया, इसका करंट अफेयर्स मिल गया, इसका ये मिल गया, तो हर जगह से हम लोग कितना कलेक्ट करोगे, कितना कलेक्ट करोगे. हाँ वो पार्ट को छोड़ दो टीचर को, सर मेरे को एक इसका डेटाबेस दे सकते हो तो आई विल डू, या तो कोचिंग पे छोड़ दो, ये काम हमारा है ना, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, ठीक है ना, आपका काम पढ़ना है. अच्छा अनिकेत के साथ टाइमिंग प्रॉब्लम भी है. टाइमिंग प्रॉब्लम को मैं बताया ना, कितना भी बिजी शेड्यूल हो 4 आवर्स निकलता है, 4 घंटे निकलता है. अगर 4 आवर्स दे रहा हूँ तो मेरे को 18 मंथ से ज्यादा टाइम लाइन देना पड़ सकता है, अगर मैं उसको मेकअप नहीं कर रहा हूँ किसी और टाइम में. 4 आवर्स एटलीस्ट हर दिन लगेगा मुझे, 4 आवर्स एवरी डे एक्सेप्ट ऑन संडे, एवरी डे आई नीड योर 4 आवर्स.
और उस 4 आवर्स में अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर है ना, तो इसलिए क्या है, 4 आवर्स तो मुझे लगेगा अनिकेत देना होगा है ना, या तो आपको 2024 से 2025 में सरकाना होगा, मतलब आपका करोड़ों का नुकसान है मतलब सिंपली यही है। तो इसलिए क्या है, 24 अगर टारगेट है तो टाइमिंग निकालना होगा। समटाइम्स इट हैपेंस कि जिस जॉब में है वो जॉब हमारा टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी जॉब है तो टेम्परेरी टाइप से काम करो ना, है ना। तो क्या है ना, जितना मिलेगा उतना ही काम करेगा, है ना, ऐसा है ना, जितना अरे जितना पैसा मिलेगा उतना ही तो आदमी काम करेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो ज्यादा काम करेंगे, कम पैसे मिलेगा कम काम करेंगे। तो इफ यू आर स्किल्ड इनफ जॉब का कोई इशू नहीं। जीत, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? স্যার আমার স্ট্রেংথ মেমোরাইজিং ভালো করতে পারবো, আর উইকনেস হচ্ছে স্যার হ্যান্ড রাইটিংটা খারাপ, রাইটিং স্পিডও প্রবলেম হয়, সেন্টেন্স গঠনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় প্রবলেম হয়। আচ্ছা, নিউজ পেপারে প্রচুর টাইম নিচ্ছে পড়তে, ওটা That's good, Ajit. If you are spending more time on the newspaper, এটা গুড আছে। কিন্তু যে 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 প্রবলেম তুমি বলেছো, ওই প্রবলেমটা একটু ওয়ার্ক করতে হবে, হ্যাঁ না, ফ্রম টুডে ইট সেলফ ইউল হ্যাভ টু ওয়ার্ক। যো টাইম জিতনা স্টার্টিং সে যো যো তিন দো তিন চিজে আপনি বতায়া, পহলা চিজ আপকা হ্যান্ড রাইটিং আচ্ছা নেই হ্যায়, আপকা স্পিড আচ্ছা নেই হ্যায়, ইয়া আপকা ইংলিশ মে কোই ইস্যুজ হ্যায়, তো উসপে কাম করনা হোগা। এন্ড ট্রাস্ট মি, পতা হ্যায় অজিত, হর কোই ইন্ডিয়া সে আপনে নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ সে হি হোতা হ্যায়, কোই ইংলিশ সে পেদা নেই হুয়া হ্যায়, দ্যাটস ইট, হ্যায় না। ফর নন অফ দ্য পার্সন ইংলিশ ইজ দ্য নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। So it means everyone is doing something good in English. मतलब कोई न कोई हर कोई में English में कर रहा है, इतना कर रहा है कि जिससे काम हो जाए, जितना UPSC से हो जाए। और required है, पता है, एक language में command करना, it is very good। क्यों पता है? क्योंकि like जैसे जो vegetarian के साथ non vegetarian खाते हैं, उनका survival ज़्यादा assured होता है, है ना, isn't it? ना वैसे क्या है, जो जो हिंदी के साथ या बांग्ला के साथ इंग्लिश जानते हैं, उनका सर्वाइवल या उनका अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं, मतलब हम लोग अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं। और लैंग्वेज शुड नॉट बी द इशू ऑफ द अपॉर्चुनिटी, है ना, लैंग्वेज पता है। और इंग्लिश तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ट्रस्ट मी, इट इज सिंपली द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का ही इशू है कि आपके सराउंडिंग में लोग एक साल में आपको फॉरेन में भेज देंगे तो आप ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोलने लग जाओगे, है ना। अब मेरा मेरे को बंगाली कैसे आ रहा, थोड़ा बहुत जो भी बोल पाता हूँ या समझ पाता हूँ, वो इसका रीजन 12 साल में कोलकाता में रहा तो मुझे बंगाली लर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। इट इज गुड कि लर्न करने का और बोलने का जो अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इवन द साउथ लैंग्वेज का भी हम लोग कर सकते हैं। बिकॉज क्या है, लैंग्वेज आपका ब्रेन में ग्रे मैटर को स्ट्रॉन्ग करता है, और ग्रे मैटर स्ट्रॉन्ग करता है तो बाकी चीजें एब्जॉर्ब करना बहुत ईजी होता है। तो मोर एंड मोर यू विल बी लिसनिंग टू द संसद न्यूज चैनल, इंग्लिश न्यूज चैनल को सुनोगे, जितना जितना इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ोगे ऑटोमेटिकली इट विल इंप्रूव, ऑटोमेटिकली, है ना। राइटिंग, हाँ, राइटिंग के लिए क्या करना होगा, व्हाट एवर द टीचर इज सेइंग, ट्राई टू राइट डाउन दोज थिंग्स, है ना, जो भी चीज़ है आज का नहीं, जो भी कंटेक्स्ट है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा उसको ट्राई करो राइट डाउन करने का, है ना, ये हेल्प करेगा बहुत। तो मैंने सबका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखा, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में फ्रंट पेज में प्लीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अपने डालना, अपने लिखना, और उसके बाद हम लोग उस पर वर्क करना चालू करेंगे, क्या क्या वीकनेसेस है। इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग अपॉन योर वीकनेस, इट मीन्स यू आर फूल, है ना, आप फूल हो अगर आपके अगर आप वीकनेस पे काम नहीं कर पा रहे। पहले तो आइडेंटिफाई करना है ना, तो आइडेंटिफाई आज हो गया, चलो ठीक है, बट 1.5 ईयर के बाद ये वीकनेस वही वीकनेस रहा तो यू आर फूल, यू आर स्टूपिड, ठीक है। आइडेंटिफाई होने तक यू आर नॉट स्टूपिड, स्टूपिड, बट नाउ अगर आइडेंटिफाई हो गया देन यू शुड वर्क अपॉन इट, ठीक है ना। तो हर किसी के लिए जिसका भी वीकनेस है कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन घटिया से घटिया वीकनेस हो सकता है, कोई इशू नहीं, है ना। मैं बता ना, मेरे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाता था, मेरे वीकनेस उसमें लिखा रहता था, है ना, और वो वीकनेसेस को मैंने वर्क किया था। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीज़ मैंने नहीं किया है, आई हैव डन दोस थिंग्स, आई हैव वर्क्ड अपॉन दोस थिंग्स, ठीक है। तो आप भी वर्क कर सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक। अच्छा, तो ये हुआ हमारा ये वाला पार्ट, जो स्वॉट एनालिसिस करना था वो हो भी गया। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट के पार्ट पे।
आई होप दिस स्लाइड इज विजिबल. यस, चलो अब मैं आपको एक जर्नी में लेके जा रहा हूँ. सारा बैकग्राउंड छोड़ दो, अब एक अच्छे से जर्नी में लेके जा रहा हूँ. और इसमें एक स्टोरी टाइप से हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं ज्योग्राफी को. ज्योग्राफी में कहीं फिर कोई इशू नहीं रहेगा आप लोगों को. अच्छा, जब मैं कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया, सपोज ज्योग्राफी, तो मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी, व्हाट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी शुड बी देयर इन माय माइंड, कि आफ्टर रीडिंग दिस सब्जेक्ट व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज आई विल बी हैविंग, क्या नॉलेज होगा मेरे, कैसे ये नॉलेज मुझे हेल्प करेगा मेरे आगे के फ्यूचर में. थर्ड चीज, इस ज्योग्राफी या ये सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, तो ये सब्जेक्ट से बेटर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं टाइम दूं तो वो ज्यादा बेटर होगा कि इस सब्जेक्ट को टाइम, है ना. ये तीन चार चीजें होती है. जैसे अपन नॉवेल पढ़ते तो पहले तो नॉवेल सिलेक्शन में ही खोजने लग जाते हैं कि आज कौन सा नॉवेल देखे, नौ पढ़े. सेम चीज मूवीज देखने में तो मूवीज का सेलेक्ट करने में टाइम लग जाता है 5 to 10 minutes कि आज कौन सा मूवी देखना है करके, है ना. वो कोई भी मूवी हो सकती है. तो वो सारे मूवीज में हम लोग को टाइम लगता है. इन द सेम मैनर कि वेदर ज्योग्राफी हैज टू बी रेड, क्या ज्योग्राफी पढ़ना है. तो यूपीएससी में जीएस पेपर वन का ज्योग्राफी का पार्ट है एंड इट इज ऑल्सो मेजर पार्ट इन प्रीलिम्स ऑफ एग्जामिनेशन. तो मतलब मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों में है. एंड आई विल से, इफ आई विल से कि ज्योग्राफी इज द बेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, तो ये एक एग्जेजरेशन हो सकता है. बट आई कैन प्रूव, आई कैन प्रूव कि ये एक सारी चीजों का एक बेस है. एंड दैट्स व्हाई ये जीओआईएस का नाम जीओ से पड़ा है. तो ये ज्योग्राफी जो है ना, इट वॉज द बेस. वाई इट इज, इट वॉज द बेस बिकॉज यू कैन सी कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो एक उन्होंने लिखा था स्टीफन हॉकिंस ने, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का थ्योरी इज बींग ओरिजिनेटेड फ्रॉम सब यूनिवर्स के कुछ थ्योरी से ओरिजिनेट हो रहा है. मतलब एग्जिस्टेंस का की बात है यहाँ पे ज्योग्राफी, है ना. कैसे आए थे आप, है ना, एग्जिस्टेंस कैसे आया आपका, उससे बात है. जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो बाकी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी जो भी लॉजी है वो कहाँ से आएगा, है ना. इट इज द मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस. तो ज्योग्राफी वेदर आई शुड बी रीडिंग, आई कैन, आई हैड शोन यू कि नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर द ज्योग्राफी इज हार्डली 10 to 15. तो इतना कम क्वेश्चन आते हैं और इसमें मैं कितना टाइम दूं. तो क्या है, क्या है, जब से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और एनवायरनमेंट ने एक बड़ा चंक ले लिया, क्योंकि एनवायरनमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इवन इकोनॉमिक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. जब ज्योग्राफी ऑप्शन देखोगे ना तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी आता है, वो सोसाइटी का पार्ट हुआ, है ना. इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ. एग्रीकल्चर, जो कि इकोनॉमिक्स के जीएस पेपर 3 में, एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी आल्सो. जियोपॉलिटिकल, है ना, जियोपॉलिटिकल थ्योरीज जो होते हैं, जो कि पीएसआईआर का पार्ट है, वो भी इसी में है. एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इसी में है. तो यू कैन सी कि ज्योग्राफी का अगर ऑप्शनल करते हो ना, ऑटोमेटिकली वो सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं आपके, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल सोशियोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें सेटलमेंट और ये सब, रिलीजन, ये कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ये सब पे बात आती है. तो यू कैन सी कि ज्योग्राफी इज द बेस. अब मैं ये तो समझ गया कि ज्योग्राफी मुझे पढ़ना है, समझ गया. अब इसका इसका स्कोप क्या है, इसके लास्ट में मुझे क्या समझ आएगा. वेन एवर यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर करते हैं, इफ यू आर इन द पोजिशन टू टेल द हिस्ट्री ऑफ दोस थिंग्स एंड द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दोस थिंग्स, इट विल एनरिच यूर आंसर. जैसे अगर मैं बताया किसी चीज के ओरिजिन से बात चलती है, सपोज कोई एनवायरमेंट में कोई स्पेसीज की बात चल रही है कि मालाबार सीवेट का, है ना. तो मालाबार सीवेट का जो मालाबार वर्ड है ना, मालाबार वर्ड मतलब केरला का मालाबार वाला एरिया, मालाबार कोस्ट. इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द लोकेशन की इस लोकेशन पे, या तो मैंने मैप बना दिया कि इस लोकेशन से ये जो है ये है करके, तो क्या होगा, उसको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इस लोकेशन की बात चल रही है. सेकेंड चीज, हिस्ट्री, हिस्टोरिकली ऐसा ऐसा था. तो अगर ये दो चीज बताता हूँ तो उसका बैकग्राउंड मुझे समझ आता है ना, उसका बैकग्राउंड समझ आता है ना. तो दैट्स व्हाई हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आंसर राइटिंग में बेस, स्टार्टिंग का पॉइंट रेडी करते हैं. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई कंसेप्ट की, या इकोनॉमिक्स का हमारे जीडीपी से ग्रोथ की, तो अगर मैं ये बताता हूँ कि अवर पॉपुलेशन, अवर 65% ऑफ पॉपुलेशन आर बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इट मीन्स वी हैव ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ द ह्यूमन. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आंसर को,
तो मतलब क्या है, मैंने ज्योग्राफी का एक फिगर दिया। क्यों ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का फिगर है ना, जो 65% जो पॉपुलेशन है जो 35 के एज के नीचे है। तो ये जो फिगर मैंने दिया स्टार्ट यहाँ से किया, तो वो एक अच्छा मेरा आंसर का एनरिच किया। सो दैट्स वाई ज्योग्राफी, अब स्कोप मैं बताया कि आंसर राइटिंग के लिए हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आंसर राइटिंग के लिए। सिटीज को अगर आप लोकेशन जानते हो तो उसके बेसिस पे आप उसके बहुत सारे आंसर का अंदाज लगा सकते हो। एक वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज देयर, निखिल पुंडे करके, अभी IAS ऑफिसर है। तो अर्लियर टाइम में जब फर्स्ट क्लास में वो आया था, तो उस समय मैं देख, व्हाट आई हैड ऑब्जर्व, कि वो कीड़ा था। किसका कीड़ा था? कोई भी सिटी में क्या चीजें फेमस हैं, कि उससे सिटी में क्या चीजें हो रही हैं, करंट अफेयर्स में जो भी चीजें देखता था उसको, वो सिटी को आइडेंटिफाई करता था कहाँ पे हो रहा है। सपोज मच्छू रिवर का ये प्रॉब्लम हुआ है ना, मच्छू रिवर में जो डैम गिरा, ये गिरा, जो पुल गिरा, एंड और वैसे भी कोई इंसिडेंस कहीं पे भी कुछ हो रहा है, तो वो तुरंत से लोकेशन खोजता था कहाँ पे कौन से जगह पे हो रहा है। तो इन दिस मैनर वॉट ही हैज डन, कि उसको वो ऐसे भी, वो उसको ये चीजों में मजा आता था, तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल उसने लिया था एंड ऑलरेडी वो 300 से प्लस मार्क्स उसने स्कोर कर लिया। तो इन दिस मैनर क्या हुआ, वो एक छोटा एक स्ट्रॉन्ग एरिया ने पूरा यूपीएससी को उसका ट्रैक कर लिया। इवन आप सपोज ट्राइब्स या तो जनपदार्थ की बात करोगे हिस्ट्री में, जब चालू करते हैं हम लोग, मगध हो गया, ये हो गया, तो ये सब चीजों की बात करते हैं, तब भी हम लोग का लोकेशन मैटर करता है। नॉट ओनली दिस, जब हम लोग लोथल वोथल की बात करते हैं कि कहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहाँ पे हड़प्पा, कहाँ पे, तब भी वो लोकेशन मैटर करता है। इवन तो फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ दैट कल्चर इंडस वैली, तो नाम क्या लगा है, इंडस, इंडस मतलब रिवर है, वो रिवर है मतलब क्या है, रिवर ही सेटलमेंट का मेन रीजन है ना, रिवर ही सेटलमेंट का मेन रीजन है ना, लोथल मैं बोल रहा हूँ। ये सब पोर्ट, पोर्ट बेस पे है, पोर्ट वहां पे अगर है तो उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या चीजों का नेसेसिटी को कवर अप करने का एक स्कोप है। सो इन दिस मैनर क्या है कि जहाँ पे ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस मिले हैं वहीं पे तो हिस्ट्री चालू होगा ना सिविलाइजेशन का, है ना। इसलिए कहीं पे भी सिविलाइजेशन इज ऑलवेज कंसंट्रेटेड नियर टू द रिवर, तो इट मीन्स ज्योग्राफी हैज बीन द बेस। तो जो स्कोप मैंने बताया आपको ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी का स्कोप तो ये समझ आ रहा है कि आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्प करने वाला है ना। तो ये दो पार्ट बताया मैंने, थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि जो ज्योग्राफी जो है इसमें अगर किसी ने ऑप्शनल ले लिया है ना, तो GS पेपर वन तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गया है ना, GS पेपर वन का वो ज्योग्राफी वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका पेपर टू, थर्ड पार्ट पेपर थ्री, एंड ऑल्सो पेपर फोर का भी कुछ पार्ट, एथिक्स का भी कुछ पार्ट इसमें कवर हो जाता है। कवर कैसे हो जाता है पता है, बहुत सारे एथिकल इश्यूज जो होते हैं ना, है ना, इट इज मेनली रिलेटेड टू गवर्नेंस ना, क्योंकि एथिकल इश्यूज गवर्नेंस रिलेटेड हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस उसमें केस स्टडीज आते हैं। एथिकल इश्यूज मतलब क्या है कि जैसे जेंडर बेस्ड इशू, ये एथिकल इश्यूज में आते हैं, और जेंडर बेस्ड इश्यूज जब होते हैं तो यू शुड बी नोइंग द फिगर्स ऑफ द जेंडर्स, है ना। फिगर्स मतलब क्या है, कितने मेल फीमेल का सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, एट द सेम टाइम क्राइम का क्या रेशियो है ना, कितना वुमेन एम्पावरमेंट में का क्या है, कितने वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, कितना क्या है। तो ये जब फिगर्स हमारे पास रहते हैं देन ओनली विल बी एबल टू टेल कि कहाँ पे किस टाइप का कौन सा इशू है करके, है ना। जैसे हमेशा से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये दिया जाता है, उसका सजेशन दिया जाता है, या उसका सर उसका डेटाबेस दिया जाता है कि NCRB ने के हिसाब से ऐसा है। लाइक जैसे आपने रक्षाबंधन मूवी देखा होगा, उसमें बोला था कि क्या हर दिन में शायद 10 गर्ल्स जो है सुसाइड करती हैं या जो भी करती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉग रेशियो। तो इस टाइप का जो डेटा आया था वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना, तो मेरे को तो पता रहना चाहिए कि किस जगह पे कैसा डेटा है और कैसा डेमोग्राफी है, इसी को बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में बहुत सारी चीजें आती हैं। एनीवेज, तो ज्योग्राफी का स्कोप का मैंने बताया कि कहाँ है। अब हम लोग समझते हैं ज्योग्राफी जब स्टार्ट हुआ अब एज अ सब्जेक्ट, तो लोगों ने सोचा कि क्या चीजें को पढ़ा जाए ज्योग्राफी के अंदर, कौन कौन सा चीजों को लिया जाए ज्योग्राफी के अंदर। लाइक जैसे जब सोशियोलॉजी को लिया गया होगा तो क्या उनको लगा होगा कि सोसाइटी का अलग लेवल का एक माइंडसेट है और एक इंडिविजुअल का अलग माइंडसेट है। तो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल का माइंडसेट को समझने के लिए साइकोलॉजी चाहिए एंड सोसाइटी का माइंडसेट को समझने के लिए मुझे सोशियोलॉजी चाहिए। सो दैट्स व्हाई टू सब्जेक्ट्स हैज बीन सेपरेटेड, दोनों सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया। वैसे ज्योग्राफी को समझने का क्या स्कोप होना चाहिए, तो ज्योग्राफी को समझने का व्हाट शुड बी द स्कोप, टू अंडरस्टैंड
अबाउट अर्थ, जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब उसके बारे में समझ पढ़ना, ठीक है ना। तो इसका लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो अर्थ एंड ग्राफोस, जियो एंड ग्राफोस, अर्थ का डिस्क्रिप्शन, अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना वॉज द स्कोप ऑफ जियोग्राफी इनिशियली, इनिशियली। बट व्हाट हैपन, क्या हुआ इसके साथ? हुआ ये कि इफ आई एम टीचिंग एनी सब्जेक्ट टू यू, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द रिलेवेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट विद योर लाइफ और विद योर सब्जेक्ट विद योर लाइवलीहुड, देन यू विल बी यू वोंट बी दैट मच मोटिवेटेड अंटिल अनलेस दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर एग्जिस्टेंस। क्या होता है जैसे फैमिली में बहुत सारी चीजें रहती है पर सर्च मैटर पे हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करते, है ना, घर में क्या सब्जी बनी है, क्या ये है, सब चीज पे हम लोग इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि हम लोग का एग्जिस्टेंस से मैटर नहीं करता। बट सपोज आपके घर में ऐसी बात चल रही है कि आपके रूम को रिनोवेट करना है तो आपका सडनली इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वाई, बिकॉज आपके रूम की बात चल रही है। तो वी आर सेल्फिश, ह्यूमन आर सेल्फिश। तो व्हाट हैपेंस कि जब अर्थ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो अर्थ में मतलब समझ लो अर्थ में रहने वाले सभी लोगों की बात कर रहे हैं, अर्थ का डिस्क्रिप्शन करना, सो इट्स अ पैसिव कंसेप्ट, पैसिव कंसेप्ट है। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बहुत सारे ज्योग्राफर को उतना इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब मुझे मतलब ज्योग्राफर्स को इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो व्हाट दे डू, वो बोले कि सिर्फ अर्थ का डिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, अर्थ एज अ अबोड टू ह्यूमन बींग, अर्थ एज एन अबोड टू ह्यूमन बींग शुड बी द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, देन आई विल बी हैप्पी। यस, अर्थ ऐसा जो कि ह्यूमन का घर है, दैट शुड बी द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी इफ आई विल से, तो आपको लगेगा यस दैट्स करेक्ट पॉइंट, यही होना चाहिए स्कोप ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का स्कोप में दो तीन चीजें आती हैं, क्या है कि ह्यूमन पार्ट और फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ह्यूमन पार्ट का ज्योग्राफी का और फिजिकल पार्ट ऑफ, इसलिए क्लास 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी है एंड क्लास 11th में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक और पार्ट हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी तभी पढ़ेंगे पहले जब वर्ल्ड के बारे में समझेंगे ना, तब इंडिया का एक एग्जाम्पल समझेंगे। इसलिए ना यूपीएससी के सारे पेपर में, सारे ऑप्शनल पेपर के दो पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर मतलब जैसे साइकोलॉजी लिया आपने तो साइकोलॉजी का जनरलाइज कंसेप्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इंडियन साइकोलॉजी के बारे में पेपर टू में रहेगा। वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर पढ़ोगे तो थ्रू आउट द वर्ल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या काम हुआ है, कैसा हुआ, वो चीज है, और इंडिया स्पेसिफिक पब्लिक पवेड के बारे में देखोगे तो वो पेपर टू में रहेगा। वैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये पेपर वन, इंडियन हिस्ट्री पेपर टू। इन दिस मैनर क्या है, पेपर वन एंड पेपर टू में सेग्रीगेट किया गया, पेपर टू को इंडियन कंटेक्स्ट में पूछा जाता है। ओके, तो क्या है, तो ज्योग्राफी के तीन पार्ट दिख रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो नाउ द स्कोप इज क्लियर कि ह्यूमन बीइंग का घर है, और ह्यूमन बीइंग का घर है तो मतलब ये समझना जरूरी है कि एक एरिया है ना, एक एरिया दूसरे एरिया से किस तरीके से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, मतलब क्या है, कहीं पर रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं पर रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। तो वन एरिया इज रिसोर्सफुल एंड अनदर एरिया इज नॉट रिसोर्सफुल, और एल्स वी कैन से एट सर्टेन एरिया आई एम नॉट एबल टू फाइंड द रिसोर्स और एट सर्टेन प्लेस आई एम एबल टू फाइंड द रिसोर्स, बिकॉज रिसोर्स इज सब्जेक्टिव टर्म। सब्जेक्टिव टर्म मतलब क्या है, अश्मिता के लिए जो चीज रिसोर्स है हो सकता है वो चीज जीत के लिए रिसोर्स ना हो, इन द सेम मैनर वाइस वर्सा, जीत के लिए जो रिसोर्स है अश्मिता के लिए रिसोर्स ना हो। जैसे क्या है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इक्विपमेंट मिल गया है ना, सपोज मुझे ब्लूटूथ रिसीवर कुछ मिल गया जो डेस्कटॉप में छोटा सा लगा देने से मेरा मोबाइल कैच करने लगे, तो मेरे लिए वो रिसोर्स है, किसी और को मिला ये क्या चीज है, फेंक दिया। मतलब क्या है, रिसोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ टू यूटिलाइज इट, मीन्स यू हैव द नॉलेज टू यूटिलाइज दैट रिसोर्स, है ना, उसी के ऊपर तो रिसोर्स है। अब मेटल कहीं जगह पे ज्यादा था कहीं पे कम था, बट इफ सिविलाइज जो वहां के जो सोसाइटी था वो अगर नहीं जानता कि कैसे इसको यूज किया जाए तो कैसे वो रिसोर्स को यूज करेगा। मींस फॉर फॉर दोस पीपल दैट थिंग इज नॉट रिसोर्स।
isn't it? So that's why geography का एक और scope हुआ कि to prepare a database of all natural and social sciences और उसका synthesize करना पूरे world में जितने भी type के climate, flora and fauna, जितने type के mountain, rivers, उसका एक पहले database बनाओ, उस database के basis पे वहाँ पे रहने वाले लोगों का के बारे में समझाओ, social sciences के बारे में समझाओ, मतलब क्या है कि वहाँ पे culture क्या है, economy क्या है, वहाँ पे माइनिंग होता है, क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, एवरीथिंग ना, और उसका सिंथेसाइज करके मुझे बताओ. दैट इज ऑल्सो द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज ऑल्सो हैविंग द स्कोप टू टेल द एरियल डिफरेंशिएशन, हाउ वन एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एरिया, हाउ नॉर्थ 24 परगना इज डिफरेंट फ्रॉम कलिम्पोंग, हाउ पुरुलिया एंड बांकुड़ा इज डिफरेंट फ्रॉम बालूरघाट. तो ये क्या है, ये जो जैसे एक एरिया कैसे दूसरे एरिया से डिफरेंट है, हाउ वेस्ट बंगाल इज डिफरेंट फ्रॉम आसाम. इफ आई एम एबल टू टेल सर्टेन कॉन्क्रीट पॉइंट्स कि वेस्ट बंगाल में ये चीजें हैं, आसाम में ये चीजें हैं, तभी तो मैं बता पाऊंगा इस यहाँ का ज्योग्राफी में क्या क्या काम, क्या क्या चीजें या कौन कौन सी रिसोर्सेस होंगे. लाइक इफ आई से कि द रिसोर्सेस आर मोर इन द झारखंड एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल, तो यू से कि डिपेंड्स you are talking about which resource. I am saying mineral resource. Okay, then take it. अगर मैंने बोला mineral resource, तो उसने बोला ठीक है, चलो झारखंड में वेस्ट बंगाल से ज्यादा है. अब वेस्ट बंगाल और बिहार में की बात करें जाए, if West Bengal will say कि I have more resources than Bihar, then Bihari people will say कि क्यों? Tell me why. तो बोलोगे कि नहीं, मेरे पास mineral resources ज्यादा है, मेरे पास coal है, मेरे पास iron ore के sources हैं. Then you'll say कि okay, fine. But it doesn't mean कि you have the fertile land. मेरे जो बिहार में जो फर्टाइल लैंड है उससे काफी ज्यादा बिहार का फर्टाइल लैंड बेस्ट है करके. तो यस, बंगाल में बोले कि यस इट इज टेकन. तो व्हाट डज इट मीन द डिफरेंशिएशन ऑफ द एरिया, वन एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एरिया. इफ यू आर एबल टू टेल कि व्हाई दिस एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एरिया, यू विल बी एबल टू कनेक्ट दैट एरिया विद द लाइफ एंड लाइवलीहुड. नाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट दैट एरिया विद लाइफ एंड लाइवलीहुड. Like for suppose, I think I might have been told you in the earlier classes. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे क्या है कि political barriers या political boundaries तो हम लोग create करते हैं, political boundaries या political barriers. But जो area राजस्थान पंजाब सिंध का था, desert वाला area, regardless of it is there in India or it is in Pakistan, the area is the same and the people will be like the same only. पीपल वैसे ही तो होंगे ना, जो कि चाहे इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो, आप तो पॉलिटिकली अलग करती है. एक्चुअल में उनका जो रिलीजन या कस्टम्स जो होगा, या रिलीजन या जो भी बोलना चाहिए उसके, उनका जो वे ऑफ लिविंग जो होगा वो तो सेम होगा. इवन उनका स्ट्रक्चर, उनका जो पहनने का तरीका होगा, वो सारा काफी कुछ सेम होगा. लाइक द पीपल पीपल फ्रॉम बांग्लादेश आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, है ना. You might have observed in the sports also कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोग से अलग है, regardless of their religion. While we can find the similarity of the people of the Bangladesh with the West Bengal, हम लोग थोड़ा बहुत similarity देख लेंगे. The way they are very much emotional in the sports, sports में कैसे emotional हो जाते हैं ना. The way jute का cultivation जो करते हैं, मतलब काफी कुछ similarity है उनके बीच में, उनके में और India, West Bengal के उसमें. Political boundaries कैसे भी हो, वैसे पंजाब हरियाणा के लोगों को और अफगानिस्तान के लोगों को और खैबर पख्तून वगैरह वाले एरिया का, वहाँ के सब लोगों का रिलीजन हटा दो और सब लोगों को सेम जैसे वैसी हाइट के, पर्सनालिटी के, वैसी कुर्ता पैजामा, वैसी पगड़ी पहने रहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर रिलीजन दे आर हैविंग, दे ऑल आर मीट ईटर्स, मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस है, एंड एट द सेम टाइम ये लोग दूध दही कैटल्स रेयरिंग पे बहुत फोकस करते हैं, टॉल हैं. तो सबका कुर्ता पैजामा पगड़ी वगड़ी सारा सेम है, बस रिलीजन और अफगानिस्तान पाकिस्तान सबको अलग कर दो, तो सिंपली आप ज्योग्राफिकली आप देखा जाए तो पीपल यू विल फील कि वो लोग सेम टाइप के ही दिखते हैं ना, हाइट टॉल वगैरह रहेंगे. वैसे ही देख लो कि मंगोलाइट्स जो होते हैं हिली एरिया पे. तो व्हाट डस इट मीन, मतलब क्या है कि ज्योग्राफी हैज क्रिएटेड द सेम काइंड ऑफ द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज for the people living there. That's why their customs, their living styles, jo living style hai, wo sara kaafi kuch similar hai. Jaise kya hai, even they take for the Rajasthan, Punjab, Sindh and Pakistan, Punjab, Sindh, Rajasthan and wo Pakistan, wo sab area ko you can say, see,
कि होल ऑफ द एरिया, उस पूरे एरिया पे लोग चांद की पूजा करने वाले, मून की पूजा करने वाले ज्यादा मिलते हैं, और पूरा डेजर्ट वाले एरिया में लोग मून की ज्यादा पूजा करते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो चाहे मुस्लिम जो हो जो ईद में पूजा करें, है ना। दे आर सेम। वाई? बिकॉज सन स्कॉचिंग, मतलब इतना ज्यादा सन से इतना एनर्जी निकल रहा है ना, तो जो जो शीतलता जो प्रोवाइड करता है ना, जो मून जो है ना, तो वो मून जो है उनको पीस काम देता है, थोड़ा सा सन के जो एग्रेशन से, एग्रेसिव नेचर से उसको शांति देता है। तो वो लोग क्या है, चांद की पूजा करेंगे, चाहे करवा चौथ की पूजा हो, चाहे किसी भी चौथ की पूजा हो, या किसी भी ईद वगैरह हो, सब में मून का होगा, है ना। मतलब क्या हो रहा है, और सन विल बी लुक्ड एज एग्रेशन। इसलिए क्या है, जो किंग्स वगैरह होते हैं, वो जो राजस्थान वगैरह के किंग वगैरह देखोगे, सब सन का मार्क वगैरह लगा कर, क्योंकि वो एग्रेशन का सिंबल है, है ना। तो वहां पे सारे लोग सन को एज ए एग्रेशन और मून को एज ए सपोर्टर, मून को एज ए गॉड वहां पे देखते हैं। तो ये छोटा सा चीजें बताया, बाकी सब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो दैट्स द थिंग कि ज्योग्राफी हैज क्रिएटेड कल्चर आल्सो। इवन इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स होने का रीजन यही है कि बिकॉज इंडिया में ज्योग्राफिकल बैरियर्स बहुत थे, लाइक वी हैव रेंज ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स विच आर देयर, विच हैज क्रिएटेड द बाउंड्रीज, द नेचुरल बाउंड्रीज दे हैव क्रिएटेड। जैसे हम लोग देखते हैं इधर विंध्या सतपुरा है, इधर वेस्टर्न घाट है, इधर पिंडस रिवर है, इधर गंगा रिवर है, इधर यमुना रिवर है, उधर गोदावरी रिवर, कृष्णा कावरी है। तो ये सब रिवर्स अपने आप में बैरियर हैं, उस समय तो ब्रिज वगैरह नहीं रहते थे ना, कैसे क्रॉस करोगे। तो जिस जगह एक रिवर से दूसरे रिवर के बीच का एरिया एक अलग टाइप का लैंग्वेज, एक रिवर से अनदर रिवर के बीच का एरिया अनदर लैंग्वेज। इस तरीके से ये जब महाजनपदास, जब एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, तो यू विल सी कि ना पूरा एक ज्योग्राफिकल रीजन, कि गंगा का एक ट्रिब्यूटरी से दूसरे ट्रिब्यूटरी का रीजन अलग हुआ, वहां से अलग अवध का अलग एरिया है ना, मगध का अलग एरिया है, रोहिलखंड एक अलग एरिया है, वो सारे रिवर्स से डिवाइडेड थे, सारे रिवर्स डिवाइडेड थे। तो व्हाट डज इट मीन कि ज्योग्राफी हैज क्रिएटेड बैरियर्स, दैट्स व्हाई द कल्चर्स, न्यू काइंड ऑफ कल्चर्स, न्यू काइंड्स ऑफ डायलेक्ट्स, लैंग्वेजेस, डांसेस, फॉर्म्स, ये सब ओरिजिनेट हुए इंडिया में। डाइवर्सिटी आने का रीजन था ज्योग्राफिकल बैरियर, है ना। साउथ वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया फॉर लॉन्गर टाइम, बहुत दिन तक अलग था। अलग था मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े जो रूलर्स थे उन लोग कॉन्कर नहीं कर पाए थे सदन में, है ना। तो ये क्या है, जो जो कावेरी रिवर था या कृष्णा रिवर था, ये दो रिवर जो है वो बैरियर क्रिएट करके रखे थे, है ना। कृष्णा रिवर के नॉर्दर्न साइड में, कृष्णा रिवर के सदर्न साइड में, कृष्णा रिवर के पास वाले एरिया मोसी रिवर के पास, यहाँ पे आपको निजाम्स का एस्टेब्लिशमेंट दिखता था, है ना। उसके नीचे आप जाओगे तो पूरे जो चोर चेल पांडे जो हिस्टोरिकली जो वहां से थे वो लोगों का एस्टेब्लिशमेंट था। तो यू कैन सी कि ये जो रिवर्स ने साउथ इंडिया को एक अलग करके रखा हुआ था। नॉट ओनली दिस, पंजाब को भी सतलज रिवर ने अलग करके रखा हुआ था। सतलज द पंजाब किंगडम को काफी लेट में कॉन्कर किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना। तो द ज्योग्राफिकल बैरियर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ज्योग्राफिकल बैरियर्स ये पूरे हिस्ट्री को शेप किया है, पूरे कस्टम्स को, अभी भी आपके कस्टम्स को शेप करता है। लाइक इन एवरी पूजा, जितने भी पूजा हमारे घर में होती है, मोस्ट ऑफ द पूजा में कहीं ना कहीं राइस के रिचुअल्स होते हैं, है ना। और राइस के भी रिचुअल्स, डायरेक्ट राइस के रिचुअल्स ना होके उसमें कुछ धान वाला जो होता है, जिसमें शेल्स वाले होते हैं, वो राइस के, या तो ऐसे राइस के रिचुअल्स होते हैं। और वो रिचुअल्स, राइस के रिचुअल्स जितने होंगे ना, वो मोस्टली राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में ही है, और अदर एरिया पे आपको व्हीट के रिचुअल्स दिखेंगे। राइस के रिचुअल्स आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बंगाल, असम, उड़ीसा, उड़ीसा नीचे आते जाओगे, ईस्टर्न बिहार, है ना, इधर छत्तीसगढ़, देन और नीचे आओगे तो पूरा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब जगह पे राइस के रिचुअल्स होते हैं, राइस रिलेटेड रिचुअल्स होंगे, है ना। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एरिया पे आपको बाकी व्हीट और इसके रिचुअल्स दिखेंगे। तो इट हैपन्स, क्योंकि जो चीजें मिलती हैं उसी चीज का रिचुअल्स होते हैं। एंड यू विल फाइंड, यू विल नोटिस वन थिंग, कि किसी भी पूजा में वो चीजें डलती हैं जो कि या तो आपकी इम्यूनिटी के लिए हेल्प करती हैं, या तो आपके एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करती हैं, या तो उस समय वो टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं, उसी चीज को आप डालते हो। हर फेस्टिवल में उसी जो उस सीजन का फ्रूट्स है वही चीजें डलती हैं, ऐसा नहीं कि कोई अदर सीजन का कोई फ्रूट डल जाए, ऐसा कभी नहीं होता।
है ना, तो हर एक रिचुअल्स में, इवन जैसे कोकोनट, कोकोनट इज सिंबल्स, कोकोनट किसका सिंबल है, कोकोनट इज ए नेचुरल ग्लूकोज है ना, जिसको कलश में सबसे पहले डाल, कलश क्यों रखा है, क्योंकि पानी का सोर्स है, पानी आपके पास हमेशा होना चाहिए। कोकोनट में मतलब रहने से क्या बेनिफिट होगा, एक तो पानी इवेपरेट नहीं होगा, एंड सेकेंड कोकोनट्स में ग्लूकोज होता है, सबसे नेचुरल ग्लूकोज होता है, डाब का पानी जो हम लोग बोलते हैं ना, नेचुरल ग्लूकोज, इसमें मिनरल्स और जो जो चीजें हैं मोस्टली इसमें रहती है ना, तो वो दो चीजों से आपका सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उतना काम हो गया मेरा। फिर अगर गंगा जल है तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है, हल्दी है तो वो भी इम्यूनिटी वाला है, काम करता है। इवन जो धूप वगैरह जो चलाते हो वो वायरस बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, भले आपको भी मार दे वो अलग बात है, वो दैट्स डिफरेंट थिंग, पर वो चीजें जो है, जो भी चीजें आप यूज करते हो ना, इवन दूध दही घी जो है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से रिलेटेड है या आपके सर्वाइवल से रिलेटेड है, तो उनकी पूजा आप करते हैं। और इस ये जो फ्रूट्स, ये शक्कर और शहद, शहद वगैरह एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब चीजें आप इस तरीके से पूजा में, पूजा में यूज करते हैं, जो कि आपके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी को बढ़ाए या इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने से बचाए, ये सब चीजों को काम करते हो। सारे फेस्टिवल इसी समय क्यों आते हैं, क्योंकि यही तो सीजन है जिस समय हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट पूरे इंडिया में, हार्वेस्ट का सीजन यही है, क्योंकि पूरे इंडिया में क्या है, मानसून का सीजन जुलाई होता है, तो हर पूरे इंडिया में जो कटाई का सीजन होगा, दैट इज हार्वेस्ट का सीजन होगा अक्टूबर एंड नवंबर, तो होल ऑफ द फेस्टिवल पूरे इंडिया में कब होगा, अक्टूबर एंड नवंबर में होगा। तो दैट्स वाई हमारे सारे फेस्टिवल, रिगार्डलेस ऑफ इट इज दुर्गा पूजा, रिगार्डलेस ऑफ इट इज दिवाली, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर जगदात्री पूजा, जो भी पूजा बोलो, डिपेंड्स अपॉन कहाँ पे हार्वेस्ट कब होगा, उसके हिसाब से फेस्टिवल वहां पे होता है ना। सो व्हाट डज इट मीन कि होल ऑफ द जो रिलीजन होता है, कस्टम्स होते हैं, दैट इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेट, ज्योग्राफी ऑफ दैट एरिया। क्लाइमेट इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का पार्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर, ये सब चीजों पे है। तो यू कैन सी कि यू विल हैव टू एसोसिएट सर्टेन फैक्टर्स एंड देयर वेरिएशन, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे वेरिएशन हो जाते हैं। लाइक ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में काफी डिफरेंस है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में काफी अच्छा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है, एंड वेस्टर्न पार्ट पूरा ड्राई एरिया, डेजर्ट टाइप का एरिया है ना, जस्ट बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 25 टू 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल ईस्टर्न पार्ट में होता है, तो वो थोड़ा सा सेमी एरिड में है एंड वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो जाता है। बट बिलो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होने के कारण से ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जैसलमेर वगैरह वाला एरिया, वो पूरा ड्राई है, पूरा रेगिस्तान वाला एरिया है, डेजर्ट वाला एरिया। तो वॉट यू कैन सी कि जस्ट बिकॉज 25 से 50 के सेंटीमीटर का रेनफॉल वाले एरिया अलग हो गया, 25 से लेस वाला अलग हो गया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है, दैट्स व्हाई ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पूरी जगह पे राइस का ज्यादा है, वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल कम होता है, तो क्या होता है, इसी के कारण से वहां पे राइस का कल्चर रिलेटिवली कम है, या मिलेट्स का कल्चर थोड़ा सा ज्यादा है, मिलेट्स में जो भी बोलो, बाजरा मक्का जो भी बोलो, है ना। तो वॉट यू हैव सीन कि किस तरीके से एक फैक्टर, एक सिंगल फैक्टर, रेनफॉल का फैक्टर कैसे डिफरेंट वेरिएशन क्रिएट किया, दैट इज ऑल्सो स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी। इवन द क्रॉपिंग पैटर्न कैन ऑल्सो चेंज, क्रॉपिंग पैटर्न जैसे क्या है, अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में जाओगे तो रेनी सीजन में राइस होगा, रिमेनिंग सीजन में चना करा, चना सत्तू वगैरह जो बोलते हैं ना, चना करवा हो जाएगा, या और वीट वगैरह कर सकते हैं, या पल्सेस वगैरह ग्रो करते हैं रिमेनिंग सीजन, चना वना जो भी पल्सेस से रिलेटेड है, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होता है उसको ग्रो करते हैं। बट वही चीज बंगाल में जाओगे तो थ्री ऑल थ्री सीजन में, चाहे रबी हो, चाहे खरीफ हो, चाहे जायद हो, ऑल थ्री सीजन में वो लोग राइस ही ग्रो करते हैं। नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, ये साउथ में भी ऐसा ही है, आंध्र प्रदेश में जाओगे तो सारे तीन सीजन में वो लोग राइस ही ग्रो करते हैं। तो वॉट इज हैपनिंग कि ये वेरिएशन, एक सीजन में कहीं पे राइस होता है और कहीं पे व्हीट होता है, वही कहीं पे सारे तीनों सीजन में राइस होता है, इसका रीजन क्या है। तो मतलब एक क्रॉपिंग पैटर्न जो फिनोमिना है उसके पीछे कॉज कुछ और है, कॉज कुछ और है, फिनोमिना इज डिफरेंट एंड कॉज इज डिफरेंट। कोई गोवा गया है आप लोगों में से, कोई गोवा घूम के आया है, नहीं गया है, शादी के बाद ही जाना है अनिकेत गोवा। देखो क्या है, गोवा बोलने का ये रीजन था, गोवा में कभी फेनी का नाम सुना है, फेनी, गोवा का फेनी का, जैसे क्या है, बियर सुना है, नॉर्मली बियर तो सुना ही होगा अनिकेत, तो फेनी जो है वहां का बियर है समझ लो, है ना, कहाँ का, गोवा का।
तो वो कैश्यू से बनता है और उसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग अगर जान रहे हो, रसगुल्ला का जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो जीआई टैग उसको मिला हुआ है। अब सोचो वो कैश्यू से वो लोग लीकर बनाते हैं, कैश्यू से लीकर बनाते हैं। अब कैश्यू से वहां पे लीकर होने का क्या रीजन होगा? वहां पे एक ही रीजन है ना, क्योंकि कैश्यू बहुत मिलता है, इजंट इट? जिस जगह पे बार्ली ज्यादा होगा तो वहां पे बार्ली से बियर बनेगा, अल्कोहल बनेगा, जो भी हो, लोकल जो शीतल पेय पदार्थ जो भी बने लगे। तो इट डिपेंड्स कि कहाँ पे क्या मिलता है। क्रॉपिंग पैटर्न भी डिफर करता है कि कौन से एरिया पे क्या मिलता है। तो कैश्यू जो है केरला गोवा इस एरिया पे अच्छे से होता है, और रीजन इसका बहुत सारे हैं। क्लाइमेटिकली अलग है, सॉइल के हिसाब से अलग रीजन है, दैट इज डिफरेंट, है ना? तो क्रॉपिंग पैटर्न इज द फिनोमिना बट कॉज आर डिफरेंट, कॉजेस आर डिफरेंट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट। सो विल हैव टू फाइंड आउट, हम लोग का काम क्या है, ये कॉजल रिलेशनशिप निकालना। कॉजल रिलेशनशिप निकालना मतलब क्या है, मैं रीजन निकाल दिया ना कि इसके कारण से ये होता है, तो आई एम अ गुड ज्योग्राफर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माय स्कोप इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन कि कहां पे राइस होता है, कहां पे वीट होता है। नो, माय जॉब इज टू आइडेंटिफाई द कॉजेस विच आर बिहाइंड व्हाई एट दिस एरिया राइस इज मोर, व्हाई मिलेट और मिलेट क्रॉप इज मोर एट दिस एरिया, व्हाई टोबैको इज मोर एट दिस एरिया, एंड व्हाट आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द टोबैको एंड कोकोनट और व्हाट एवर एग्रीकल्चरल थिंग्स विच यू कैन सजेस्ट। तो वो सारा चीजों के पीछे मैं कॉजल रिलेशनशिप निकाल लिया ना, तो मैं एक गुड ज्योग्राफर हो गया। एट द सेम टाइम इफ आई एम एबल टू फाइंड व्हाई दिस एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एरिया, दैट इज माई जॉब फॉर द ज्योग्राफी इज खत्म, ओवर। ठीक है ना? यही चीज हम लोग को जानना है, ठीक है? यही ज्योग्राफी का स्कोप है। तो आज मैं आपको एटलीस्ट स्कोप बता दिया, या यही चीज आप देखना, पहले चैप्टर में यही चीज लिखा हुआ है। अगर एनसीईआरटी में पढ़ा हो गया तो वो चीज को मैं अपने तरीके से समझाया हूँ आपको, और वो तरीका डेफिनेटली आपको अब समझ आएगा कि क्यों फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ने बोला था आप लोगों को। ठीक है ना? एनीथिंग इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी यू कैन आस्क मी, और एल्स वी कैन क्लोज द सेशन सेशन सिंपली आई वॉन्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल बी इंटरेक्टिव यार। ये बैच में मुझे इंटरेक्शन थोड़ा सा कम देता है, बी इंटरेक्टिव यार, इंटरेक्शन से मजा आएगा। क्वेश्चंस करने से जितना क्वेश्चन करोगे उतना मजा आएगा।